हेलो दोस्तों आपका मेरी चैनल में स्वागत है तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है जेलर जेलर एक पैन इंडिया फिल्म थी जिसको तमिल तेलुगु हिंदी इन सभी लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया था लेटर ऑन इन सभी लैंग्वेजेस में और भी कई लैंग्वेजेज में डब करके इस फिल्म को ओ पे प्रीमियर करवाया गया था तो जेलर फिल्म का जो हिंदी वर्जन है बाकी सभी साउथ इंडियन वर्जन है वो कैसे कहाँ पे आपको ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन फिल्मिंग बजट के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी फिल्म का डीप रिव्यू होने वाला है जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की स्टार का अपट कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है तो आज का हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग

जिनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बातचीत करें तो कोलम्बो कोकिला जिसमें नयन तारा लीड रोल में थी उस फिल्म से उन्होंने अपने राइटर डायरेक्टर की शुरुआत की हुई थी वो दो में उस फिल्म ने एक अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाया था और बॉक्स ऑफिस पर वो एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी लेटर ऑन उसके बाद उन्होंने 2021 में डायरेक्ट फिल्म बनाई जिसका नाम था डॉक्टर जिसको भी उन्होंने ही लिखा डायरेक्ट किया तो जिसमें शिव कार्तिके और प्रियंका मोहन लीड रोल में थे और उस फिल्म ने भी 100 करोड़ के पार का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी खासी हिट फिल्म साबित हुई उसके बाद में 2022 में उन्होंने बेस्ट फिल्म बनाई जिसको लिखा और डायरेक्ट उन्होंने ही था लेकिन वो फिल्म उस तरह का कमल नहीं कर पाई जो उनकी पहली दो फिल्म कर पाई थी उसके बाद में उन्होंने ये जेलर फिल्म बनाई जहाँ पे जेलर फिल्म के साथ उन्होंने फिर से कम बैक करके दिखाया इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो कालनीति मारन जो सन पिक्चर्स के ओनर है उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इसको प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट दोनों किया हुआ है वहीं पर म्यूजिक के राइट्स भी उन्होंने अपने ही पास रखे हुए लीड रोल में सुपरस्टार कांत है विनायक रम्या कृष्णन वसंत रवि जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट काफी लंबी है और कुछ बड़े बड़े भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं फिल्म के टेक्निकल टीम में जो विजय कार्तिक कन्न है वो सिनेमाटोग्राफी करते हुए नजर आएंगे आर निर्मल ने एडिटिंग की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे और अड़तालीस मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी जहां पर जब इस फिल्म को ऑफिशियली ओ टी टी पे प्रीमियर वहां पर एक सौ चौसठ मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे चवालीस मिनट का रन

अनिरुद्धि सॉरी अनुराजा कामराज ने लिखा हुआ था राव ने गाया हुआ था वहीं पे राथा मारे करके जो गाना था उसको विघ्नेश शिवान ने लिखा हुआ था विशाल मिश्रा ने गाया हुआ था हुकुम थलाई और अलपपारा करके जो गाना था उसको सुपर सुबो ने लिखा हुआ था अनिरुद्ध रविचंदन रजनीकांत ने गाया हुआ था जुजुबी ने इस इस गाने को सुपर सुबु ने लिखा हुआ था धी अनंता कृष्णा और अनिरुद्ध रविचंदन ने गाया हुआ था इसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंटल थीम सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जैसे कि जेलर का एक थीम सेट किया हुआ था मूथुवेल पांडेन का थीम था जेलर का ड्रिल थीम था वहीं पर अलपारा का थीम था तो ये टोटल चार थीम भी थे तो इसके साथ टोटल आठ ट्रैक हुए थे जिसकी लेंथ थी अट्ठारह मिनट चौबीस सेकंड जिसको ऑफिशियली सन पिक्चर्स के द्वारा मल्टीपल लैंग्वेज में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स के ऊपर रिलीज करवाया हुआ था तो फिलहाल में सभी गाने वहां पे आप ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म के प्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं तो फिल्म के प्रोडक्शन के डेवलपमेंट 2021 में की गई थी जहाँ पे रिपोर्टली पता चला था कि रजनी खान के साथ एक सौ फिल्म नेल्सन दिल दिलीप कुमार करने वाले जहाँ पे बेस्ट फिल्म के बाद वो इस के ऊपर काम करेंगे दस फरवरी दो को सन पिक्चर्स ने इस फिल्म को अनाउंस किया ऑफिशियली अनाउंस किया और जहाँ पे इस फिल्म को टेंटेटिव टाइटल थलाईवर वन सिक्स दिया हुआ था फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था जेलर उसको सत्रह जून दो को अनाउंस

सिनेमा में डेब्यू था बाद में वसंत रवि को कास्ट किया गया चिरा रजनीकांत के बेटे के रोल के लिए मम्मूटी को विनायकन ने जो रोल प्ले किया हुआ है वो ओरिजिनली ऑफर किया गया था मम्मूटी को विलन का रोल लेकिन वो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट के चलते वो चीज़ें सही नहीं बैठ पाई उसके बाद में जो सुनील तमन्ना भाटिया उनके भी एक एक केमी अपीरेंस होने वाले उन सभी चीज़ों के ऊपर भी अनाउंस हुई थी अनाउंसमेंट हुई थी मोहन लाल जे की सरोफ इन सभी को भी इस फिल्म के लिए कास्ट किया हुआ था तो इस तरह से ये सभी चीज़ें देखने को मिली जहाँ पे जेके श्रोफ़ और रजनीकांत करीबन छत्तीस सालों के बाद इस फिल्म में काम करते एक साथ नज़र आए थे उत्तर दक्षिण फिल्म उन्होंने बनाई हुई थी साथ में हिंदी लैंग्वेज में उसके बाद इस फिल्म में उन्होंने काम किया हुआ है अब बात करें इस फिल्म की फिल्मिंग के ऊपर तो टेस्ट लोग शूट था जो वो जुलाई 2022 में चेन्नई में सेट किया हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो तीन अगस्त 2022 से हैदराबाद में स्टार्ट की हुई थी लेकिन कुछ चीज़ों के चलते फिल्म डिले हुई थी शूटिंग में तो जिसके चलते फिल्म को बाद में लेट शूट किया गया था जहाँ पे बाईस अगस्त को चेन्नई में एक शूटिंग सेट की गई थी अक्टूबर महीने में, में इस फिल्म को कड्डलोर में शूट किया हुआ था जनवरी दो में कुछ चीज़ें बाकी थी जिसको जैसलमेर में भी शूट किया हुआ था राजस्थान में उसके बाद में उसी महीने में इस फिल्म को मैंगलोर में भी कुछ सीन्स के लिए शूट किया हुआ था जहाँ पे शिवराज कुमार के साथ कुछ सीन्स फिल्माए गए थे मार्च में क्लाइमेक्स में एक क्लाइमेक्स सीन सेट किया हुआ था शूट के लिए जिसको अथरपल्ली फॉल्स और चलकुत्ती जो केरला में वहाँ पे शूट किया हुआ था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो एक जून दो हजार बाईस को रेपअप करवाई हुई थी तो ये फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग इस तरह से की गई थी जहाँ पे बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर भी काम किया हुआ था फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल तो रजनीकांत प्ले करे जो हाँ जेलर यानी कि टाइगर मुथुवेल पांड्यन का किरदार प्ले कर रहे वर्मन का रोल विनायकन ने प्ले किया हुआ है विजया विजी पांडेन का जो रोल है मुथुवेल की वाइफ का और रम्या कृष्णा ने प्ले किया हुआ है एसीपी अर्जुन पांडेन जो मुथुवेल और विजी का बेटा है वो रोल वसंत रवि ने प्ले किया हुआ है कामना के रोल में तमन्ना भाटिया देखने को मिलेगी ब्लास्ट मोहन का रोल सुनील ने प्ले किया हुआ है विमल के रोल में योगी बाबू देखने को मिलेंगे श्वेता पांडेयन जो अर्जुन की वाइफ का रोल है वो मीना मेनन ने प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में ऋत्विक पांडेन यानी कि ऋतु का जो रोल है जो मुथुवेल का सर ने वो रोल ऋत्विक ने ही प्ले किया हुआ है वहीं पे धनराज का रोल है वो हर्षद ने प्ले किया हुआ है दोखीनाथ का रोल जफर सादिक ने प्ले किया हुआ था पानीर का रोल है वो जी मारे मुथु ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर एस धंदापानी का रोल है वी गणेश ने प्ले किया हुआ है दिव्यानाथन का रोल है वो रेडिन किंग्सले ने प्ले किया हुआ था बगुनारा बालू का रोल सुनील रेड्डी ने प्ले किया हुआ था सीनू का रोल सर्वानंद ने प्ले किया हुआ था इंस्पेक्टर जी कंगा लक्ष्मी का जो रोल था वो थांगी निशा ने प्ले किया हुआ है पुलिस कांस्टेबल के रोल में महानंदी सिंह का देखने को मिलेंगे राजा राव का रोल है वो पद्म कुमार ने प्ले किया हुआ था संजू का रोल कराटे कार्तिक को दिया गया था नसीमा के हेंचमैन के रोल में सुंगुनाथन देखने को मिलेंगे वहीं पर पंजू का जो रोल था वो बिल्ली मुरली ने प्ले किया हुआ था सीनू के मेजर का रोल है वो पावेल मनी ने प्ले किया हुआ था वर्मन के हैंचमैन का रोल है वो सूरज पॉप्स ने प्ले किया हुआ था वर्मन के दूसरे हेंचमैन का रोल है वो डांसर रमेश ने प्ले किया हुआ था करीम गैंगस्टर मेंबर का जो रोल था वो हजी oh, मोहम्मद ने प्ले किया हुआ था जफर is... के रोल में किशोर देखने को मिलते हैं सिकंदर सिंह का रोल है वो मकरंदेश पांडे ने प्ले किया हुआ है सीबीआई ऑफिसर का जो अनक्रेडिटेड रोल था वो उदय बानो महेश्वर ने प्ले किया हुआ है कुछ कम्योपीरेंस भी देखने को मिलेंगे बड़े बड़े कैम्यो अपरस जिसमें मोहन लाल ने मैथ्यू के रोल में कैम्यूअपीरेंस दिया हुआ है नरसिमा के रोल में शिवराज कुमार ने कैम्यो अपीरेंस दिया हुआ है कामदेव के रोल में जेकि अपियर देते हुए नजर आएंगे नागा बाबू मुथुवल के फॉर्मर कलिक के रोल में एक कैम्यो अपियरेंस दिए हुए थे वहीं पर कावा ला करके जो गाना है उसमें जाने ने कम्यो अपीरियंस दिया हुआ है तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थे जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो मुथुवल पांडेन एक मुथु के मुथु यानी कि रजनीकांत वो एक रिटायर्ड जेलर है जहाँ पे वो अपनी सिंपल लाइफ अपनी फैमिली के साथ जीते हुए नजर आते हैं उनके बेटे यानी कि अर्जुन जिसका रोल वसंत रवि प्ले कर रहे हैं वो एक सीसियर पुलिस ऑफिसर है जहाँ पे उनकी एक टसल है वो एक वर्मान नाम के एक कैंटागोनी से हो जाती है एक स्मगलर से हो जाती है जिसका रोल विनायकानंद प्ले करते हैं वो एंटिक पीस का स्मगलिंग करते हुए नजर आते हैं किसी एक दिन अर्जुन अचानक से मिस हो जाता है उसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट में एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है बाद में मुथुवेल पांडियन को जब इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है उसके बाद में उनको ये भी पता लगता है कि उनके बेटे को मार दिया गया है तो अब इसके पीछे कौन है क्यों मारा हुआ है उसको क्यों खत्म किया हुआ है वो सभी चीजें फिल्म में आगे जाके दिखाई जाती है उसके बाद में मुथुवेल पांडेन जब इन सभी चीज़ों को दे ढूंढने निकलता है जब वो अपने इस रास्ते पे निकलता है तब उसको कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट पता चलते हैं जहाँ पे उसका जो मोटो था वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है तो अब ये क्या है मुथुवेल पांडेन उन सभी चीज़ों को उन सरप्राइज़ को कैसे डील करेगा वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है सुपरस्टार रजनीकांत काफ़ी लंबे समय के बाद इस टाइप के सॉलिड रोल में देखने के मिलते हैं आपको जहाँ पर उनका कैरेक्टराइजेशन काफ़ी बढ़िया तरीके से मैंने संदीप कुमार ने किया हुआ रजनीकांत ने एक अंडर प्ले वाला जो फर्स्ट हाफ में हुआ जिस तरह ब्लॉक किया हुआ था वो भी काफी टेरिफिक नजर आता है रजनीकांत की कॉमेडी टाइमिंग आपको जरूर पसंद आएगी जो सीन के उनके योगी बाबू के साथ थे वो एक बढ़िया फन क्रिएट करते नजर आते एक डार्क कॉमेडी है काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है इसके अलावा इसमें अनिरुद्ध इस फिल्म के सेकंड पिलर कह सकते हैं जहाँ पे रत्नीकांत के बाद अनिरुद्ध का बैकग्राउंड स्कोर ही फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से लिफ्ट करने में मदद करता है सुपरस्टार के जितने भी जो सीन्स थे थंपिंग बैकग्राउंड स्कोर की वजह से वो सभी चीज़ें बेहतर हो जाती है एक एवरेज चीज़ को वो एक अच्छी तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी बनाने में मदद करते हैं हुकुम गाने का भी काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ किया हुआ है जिस तरह से उसको इंटरवल में यूज़ किया था वो भी बढ़िया था ओवरऑल इस फिल्म में जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर का यूज़ किया हुआ है वो अच्छा आएगा फिल्म को एक अच्छा सपोर्ट देता हुआ नजर आता है रम्या कृष्णन मीना मेनन विनायक रवि जैसे एक्टर्स काफी बढ़िया परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं दूसरे कुछ केमनाटराइजेशन जिस तरह से किया हुआ था वो फिल्म की स्टोरी लाइन को थोड़ा वीक करता हुआ नजर आता है उनके किरदार को मजबूत किया जा सकता था या तो उनके किरदार को हटा दिया जा सकता था इस फिल्म का जो प्लॉट है वो आपको उतना कुछ बड़ा नजर नहीं आएगा सेकंड हाफ में चीजें खींची हुई नजर आती है हाँ कुछ ह्यूमर था जिस तरह से चीजों को दिखाया हुआ था फर्स्ट हाफ में वो काफी था लेकिन उसके बाद में जिस तरह से कुछ चीजों को खींचा हुआ था वो फिल्म को बोर करता हुआ नजर आता है इमोशनल सीन्स बेहतर वे में, पेस किया जा सकते थे, फिल्म में कुछ बेहतरीन ट्विस्ट भी डाले जा सकते थे फिल्म काफी लंबी थी उसको चॉप ऑफ किया जा सकता था लेकिन अनिरुद्ध का जो फेंटास्टिक बैकग्राउंड स्कोर था उसकी मदद से फिल्म काफी बढ़िया तरीके से कुछ सीन्स को एलिवेट करने में आगे बढ़ती है जिसके चलते ये सभी चीजें देखने में मज़ा आता है सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफी बढ़िया थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफी सॉलिड नजर आती है एडिटिंग थी वो फिल्म की थोड़ी बेहतर की जा सकती थी खास करके सेकंड आप में डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार ने वैसे देखा जाए तो एक डिसन काम किया हुआ है रजनीकांत के किरदार को जिस तरह से लिखा हुआ था जिस तरह से उनको स्क्रीन प्ले में दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी यहाँ फिल्म लंबी थी सेकंड आप में थोड़ी लेट डाउन कर देती है वहाँ पे चीजें बेहतर होती फिल्म और बेहतर होती लेकिन और देखा जाए तो एक अनिरुद्ध का पेन ले पे पे इंडिया लेवल पे 10 अगस्त 2023 को रिलीज किया गया था करीबन दो सौ करोड़ का बजट था जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डीवी पे फिल्म ने बाईस वोट हासिल किए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से बाद में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कई सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए जहाँ पे 200-250 करोड़ के बजट के सामने जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तो अच्छे बस के साथ फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसके चलते पहले दिन फिल्म ने बहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर जहाँ पे सिर्फ इंडिया से ही बावन करोड़ का कलेक्शन निकल के आया हुआ था वहीं पर तमिलनाडु से तेईस करोड़ का कलेक्शन था पहले दिन केरला से पाँच करोड़ पिचियासी लाख का तेलुगु स्टेट से यानी कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से दस करोड़ का कलेक्शन था कर्नाटक से ग्यारह करोड़ का और नॉर्थ इंडिया से साढ़े करोड़ का कलेक्शन हुआ था इंटरनेशनल मार्केट से 40 करोड़ का कलेक्शन किया था जिसके चलते पहले दिन इस फिल्म ने बहत्तर करोड़ का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड लेवल पर दर्ज किया उसके बाद में इक्कीस अगस्त दो तक जेलर फिल्म ने तमिलनाडु से एक करोड़ तक का कलेक्शन किया हुआ था आंध्र प्रदेश तेलंगाना से पिछहत्तर करोड़ का और कर्नाटक से साठ करोड़ तक का कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे ओवरसीज के मार्केट में इस फिल्म ने इक्कीस अगस्त दो तक करीबन एक करोड़ इकतीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने काफी बेहतरीन तरीके से एक बिजनेस दिखाया जिसके चलते दो सौ ढाई सौ करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने छह सौ

एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि जेलर फिल्म का ओ वर्जन अगर आपको अभी ऑफिशियली देखना है तो वो आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से जेलर फिल्म को आप ऑफिशियली ओटी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे जेलर जो दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको तेलुगु कन्नडा मलयालम हिंदी इन सभी वर्जन में डब करके साथ ही में रिलीज किया गया था जिसका मेन लैंग्वेज तमिल था फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ नेल्सन दिलीप कुमार ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें नेल्सन दिलीप कुमार ने ही की हुई जिनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बातचीत करें तो कोलम्बो कोकिला जिसमें नयन लीड रोल में थी उस फिल्म से उन्होंने अपने राइटर डिरेक्टर की शुरुआत की हुई थी वो दो में उस फिल्म ने एक अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाया था और बॉक्स ऑफिस पर वो एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी लेटर ऑन उसके बाद उन्होंने 2021 में डायरेक्ट फिल्म बनाई जिसका नाम था डॉक्टर जिसको भी उन्होंने ही लिखा डायरेक्ट किया था तो जिसमें शिव कार्तिके और प्रियंका मोहन लीड रोल में थे और उस फिल्म ने भी सौ करोड़ के पार का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी खासी हिट फिल्म साबित हुई उसके बाद में 2022 में उन्होंने बेस्ट फिल्म बनाई जिसको लिखा और डायरेक्ट उन्होंने ही था लेकिन वो फिल्म उस तरह का कमल नहीं कर पाई जो उनकी पहली दो फिल्म कर पाई थी उसके बाद में उन्होंने ये जेलर फिल्म बनाई जहाँ पे जेलर फिल्म के साथ उन्होंने फिर से कम करके दिखाया इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो कालनीति मारन जो सन पिक्चर्स के ओनर

के के साथ देखने को मिलेगी जहां पे जब इस फिल्म को सर्टिफिकेट मिला डिपार्टमेंट में अनिरुद्ध रविचंद्र का का काम देखने को मिलेगा जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं जहां पे इन गानों को दो हजार रिकॉर्ड किया गया था सन पिक्चर्स के द्वारा इसके राइट्स अपने पास ही रखे गए थे 18 मिनट चौबीस सेकंड का साउंड ट्रैक था जिसको अट्ठाईस जुलाई 2023 तेईस का ऑफिशियली रिलीज करवाया हुआ था अनिरुद्ध रविचंदन ने फिल्म के लिए बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म का पहला गाना था कावाला उसको अनिरुद्ध रविचंद सॉरी अनुराजा कामराज ने लिखा हुआ था शिल्पा राव ने गाया हुआ था वहीं पे राथा मारे करके जो गाना था उसको विघ्नेश सिवान ने लिखा हुआ था विशाल मिश्रा ने गाया हुआ था हुकुम थलाई और अलपपरा करके जो गाना था उसको सुपर सुबह ने लिखा हुआ था अनिरुद्ध रविचंदन रजनीकांत ने गाया हुआ था जुजुबी ने इस इस गाने को सुपर सुबह ने लिखा हुआ था धी अनंता कृष्णा और अनिरुद्ध रविचंदन ने गाया हुआ था इसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंटल थीम सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जैसे कि जेलर का एक थीम सेट किया हुआ था मोथुवेल पांडेन का थीम था जेलर का ड्रिल थीम था वहीं पर अलपारा का थीम था तो ये टोटल चार थीम भी थे तो इसके साथ टोटल आठ ट्रैक हुए थे जिसकी लेंथ थी अट्ठारह मिनट चौबीस सेकंड जिसको ऑफिशियली सन पिक्चर्स के द्वारा मल्टीपल लैंग्वेज में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स के ऊपर रिलीज करवाया हुआ था तो फिलहाल मैं सभी गाने वहां पर आप ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की प्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं तो फिल्म के प्रोडक्शन के डेवलपमेंट 2021 में की गई थी जहाँ पे रिपोर्टली पता चला था कि रजनी खान के साथ एक सौ फिल्म नेल्सन दिल दिलीप कुमार करने वाले जहाँ पे बिस्ट फिल्म के बाद वो इस के ऊपर काम करेंगे 10 फरवरी दो को सन पिक्चर्स ने इस फिल्म को अनाउंस किया ऑफिशियली अनाउंस किया और जहाँ पे इस फिल्म को टेंटेटिव टाइटल थलाईवर वन सिक्स दिया हुआ था फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था जेलर उसको सत्रह जून दो को अनाउंस किया

सिनेमा में डेब्यू था बाद में वसंत रवि को कास्ट किया गया चिरा रजनीकांत के बेटे के रोल के लिए मम्मूटी को विनायकन ने जो रोल प्ले किया हुआ है वो ओरिजिनली ऑफर किया गया था मम्मूटी को विलन का रोल लेकिन वो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट के चलते वो चीज़ें सही नहीं बैठ पाई उसके बाद में जो सुनील तमन्ना भाटिया उनके भी एक एक केमी अपियरेंस होने वाले उन सभी चीज़ों के ऊपर भी अनाउंस हुई थी अनाउंसमेंट हुई थी मोहन लाल जे की इन सभी को भी इस फिल्म के लिए कास्ट किया हुआ था तो इस तरह से ये सभी चीज़ें देखने को मिली जहाँ पे जेके शोप और रजनीकांत करीबन छत्तीस सालों के बाद इस फिल्म में काम करते एक साथ नज़र आए थे उत्तर दक्षिण फिल्म उन्होंने बनाई हुई थी साथ में हिंदी लैंग्वेज में उसके बाद इस फिल्म में उन्होंने काम किया हुआ है अब बात करें इस फिल्म की आ, फिल्मिंग के ऊपर तो टेस्ट लोग शूट था जो वो जुलाई 2022 में चेन्नई में सेट किया हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो तीन अगस्त 2022 से हैदराबाद में स्टार्ट की हुई थी लेकिन कुछ चीज़ों के चलते फिल्म डिले हुई थी शूटिंग में तो जिसके चलते फिल्म को बाद में लेट शूट किया गया था जहाँ पे 22 अगस्त को चेन्नई में एक शूटिंग सेट की गई थी अक्टूबर महीने में, में इस फिल्म को कड्डलोर में शूट किया हुआ था जनवरी दो में कुछ चीज़ें बाकी थी जिसको जयसलमर में भी शूट किया हुआ था राजस्थान स्थान में उसके बाद में उसी महीने में इस फिल्म को मैंगलोर में भी कुछ सीन्स के लिए शूट किया हुआ था जहाँ पे शिवराज कुमार के साथ कुछ सीन्स फिल्माए गए थे मार्च में क्लाइमेक्स में एक क्लाइमेक्स सीन सेट किया हुआ था शूट के लिए जिसको अथरपल्ली फॉल्स और चलकुत्ती जो केरला में वहाँ पर शूट किया हुआ था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो एक जून दो हज़ार बाईस को रेपअप करवाई हुई थी तो ये फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग इस तरह से की गई थी जहाँ पे बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर भी काम किया हुआ था फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल तो विजय रजनीकांत प्ले करे जो हाँ जेलर यानी कि टाइगर मथुवेल पांडेन का किरदार प्ले कर रहे वर्मन का रोल विनायकन ने प्ले किया हुआ है विजया विजी पांडेन का जो रोल है मथुवेल की वाइफ का और रम्या कृष्णा ने प्ले किया हुआ है एसीपी अर्जुन पांडेन जो मथुवेल और विजी का बेटा है वो रोल वसंत रवि ने प्ले किया तो हुआ है कामना के रोल में तमन्ना पाठिया देखने को मिलेगी ब्लास्ट मोहन का रोल सुनील ने प्ले किया हुआ है विमल के रोल में योगी बाबू देखने को मिलेंगे श्वेता पांडेन जो अर्जुन की वाइफ का रोल है वो मीणा मेनन ने प्ले किया हुआ है वहीं पर इस फिल्म में ऋत्विक पांडेन यानी कि ऋतु का जो रोल है जो मुथुवेल का सर ने वो रोल ऋतविक ने ही प्ले किया हुआ है वहीं पे धनराज का रोल है वो हर्षद ने प्ले किया हुआ है दोकीनाथ का रोल जफर सादिक ने प्ले किया हुआ था पानीर का रोल रोल है वो जी मारे मुथु ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर एस धंदापानी का रोल है वी टी वी गणेश ने प्ले किया हुआ है दिव्यानाथन का रोल है वो रेडियन किंग्सले ने प्ले किया हुआ था बगुनारा बालू का रोल सुनील रेड्डी ने प्ले किया हुआ था सीनू का रोल सर्वानंद ने प्ले किया हुआ था इंस्पेक्टर जी कंगा लक्ष्मी का जो रोल था वो थांगी निशा ने प्ले किया हुआ है पुलिस कांस्टेबल के रोल में महानंदी का देखने को मिलेंगे राजा राव का रोल है वो पद्म कुमार ने प्ले किया हुआ था संजू का रोल कराटे कार्तिक को दिया गया था नरसीमा के हेंचमेंट के रोल में सुंगुनाथन देखने को मिलेंगे वहीं पे पंजू का जो रोल था वो बिल्ली मुरली ने प्ले किया हुआ था सिनू के मेजर का रोल है वो पावेल मनी ने प्ले किया हुआ था वर्मन के हेंचमैन का रोल है तिए। तिए। वो सूरज पॉप्स ने प्ले किया हुआ था वर्मन के दूसरे हेंचमैन का रोल है वो डांसर रमेश ने प्ले किया हुआ था करीम गैंगस्टर मेंबर का जो रोल था वो हाजी मोहम्मद ने प्ले किया हुआ था जाफार के रोल में किशोर देखने को मिलते हैं सिकंदर सिंह का रोल है वो मकरंद देश पांडे ने प्ले किया हुआ है सी ऑफिसर का जो अनक्रेडिटेड रोल था वो उदय भानो महेश्वरन ने प्ले किया हुआ है कुछ कम्यूपीरियंस भी देखने को मिलेंगे बड़े बड़े कैम्यूपीरियंस जिसमें मोहन ने मैथ्यू के रोल में कैम्यपियंस दिया हुआ है नरसिमा के रोल में शिवराज कुमार ने कम्यो अपीरियरेंस दिया हुआ है कामदेव के रोल में जेकिशोर क्रॉप आपको कैमे अपीरेंस देते हुए नजर आएंगे नागा बाबू मुथवेल के फॉर्मर कलिक के रोल में एक कैमे अपीरेंस दिए हुए थे वहीं पे कावा ला करके जो गाना है उसमें जाने ने कैमे अपीरेंस दिया हुआ है तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो मथुवेल पांडेन एक मुथु के मुथु यानी कि रजनीकांत वो एक रिटायर्ड जेलर है जहाँ पे वो अपनी सिंपल लाइफ अपनी फैमिली के साथ जीते हुए नजर आते हैं उनके बेटे यानी कि अर्जुन जिसका रोल वसंत रवि प्ले कर रहे हैं वो एक सीसियर पुलिस ऑफिसर है जहाँ पे उनकी एक टसल है वो एक वर्मान नाम के एक एंटागोनी से हो जाती है एक स्मगलर से हो जाते हैं जिसका रोल विनायकन प्ले करते हैं वो एंटिक पीस का स्मगलर करते हुए नजर आते हैं किसी एक दिन अर्जुन अचानक से मिस हो जाता है उसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट में एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है बाद में मथुवेल पांडियन को जब इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है उसके बाद में उनको ये भी पता लगता है कि उनके बेटे को मार दिया गया है तो अब इसके पीछे कौन है क्यों मारा हुआ है उसको क्यों खत्म किया हुआ है वो सभी चीजें फिल्म में आगे जाके दिखाई जाती है उसके बाद में मुथुवेल पांडेन जब इन सभी चीज़ों को दे ढूंढने निकलता है जब वो अपने इस रास्ते पे निकलता है तब उसको कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट पता चलते हैं जहाँ पे उसका जो मोटो था वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है तो अब ये क्या है मुथुवेल पांडेन उन सभी चीज़ों को उन सरप्राइज़ को कैसे डील करेगा वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है सुपरस्टार रजनीकांत काफ़ी लंबे समय के बाद इस टाइप के सॉलिड रोल में देखने के मिलते हैं आपको जहाँ पर उनका कैरेक्टराइजेशन काफ़ी बढ़िया तरीके से संदीप कुमार ने किया हुआ है रजनीकांत ने एक अंडर प्ले वाला जो फर्स्ट हाफ में काम किया हुआ था वो काफी बढ़िया नजर आता है जिस तरह के उनका एक मीनिसिंग फोर्स में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है वो भी काफी बढ़िया था इसके अलावा जिस तरह सेंटर ब्लॉक क्रिएट किया हुआ था वो भी काफी टेरिफिक नजर आता है रजनीकांत की कॉमेडी टाइमिंग आपको जरूर पसंद आएगी जो सीन के उनके योगी बाबू के साथ थे वो एक बढ़िया फन क्रिएट करते नजर आते एक डार्क कॉमेडी है वो फिल्म है वो काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है इसके अलावा इसमें अनिरुद्ध इस फिल्म के सेकंड पिलर कह सकते हैं जहाँ पे रजनीकांत के बाद अनिरुद्ध का बैकग्राउंड स्कोर ही फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से लिफ्ट करने में मदद करता है सुपरस्टार के जितने भी जो सीन्स थे थंपिंग बैकग्राउंड स्कोर की वजह से वो सभी चीज़ें बेहतर हो जाती है एक एवरेज चीज़ को वो एक अच्छी तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डीरी बनाने में मदद करते हैं हुकुम गाने का भी काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ किया हुआ है जिस तरह से उसको क्लाइ इंटरवल में यूज़ किया था वो भी बढ़िया था ओवरऑल इस फिल्म में जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर का यूज़ किया हुआ है वो अच्छा नज़र

ह्यूमर था जिस तरह से चीजों को दिखाया हुआ था फर्स्ट हाफ में वो काफी था लेकिन उसके बाद में जिस तरह से कुछ चीजों को खींचा हुआ था वो फिल्म को बोर करता हुआ नजर आता है इमोशनल सीन्स बेहतर कुछ बेहतर भी डाले जा सकते थे फिल्म काफी लंबी थी उसको चॉप अप किया जा सकता था लेकिन अनिरुद्ध का जो फैंटास्टिक बैकग्राउंड स्कोर था उसकी मदद से फिल्म काफी बढ़िया तरीके से कुछ सीन्स को एलिवेट करने में आगे बढ़ती है जिसके चलते ये सभी चीज़ें देखने में मज़ा आता है सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी सॉलिड नज़र आती है एडिटिंग थी वो फिल्म की थोड़ी बेहतर की जा सकती थी खास करके सेकंड आप में डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार ने वैसे देखा जाए तो एक डिसिन काम किया हुआ है रजनीकांत के किरदार को जिस तरह से लिखा हुआ था जिस तरह से उनको स्क्रीन प्ले में दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी हाँ फिल्म लंबी थी सेकंड आप में थोड़ी लेट डाउन कर देती है वहां पर चीज़ें बेहतर तो फिल्म और बेहतर होती है लेकिन और देखा जाए तो एक, एक रजनीकांत की अनिरुद्ध का बैकग्राउंड को आसानी से बचा ले जाता है दस अगस्त दो हजार तेईस को रिलीज किया गया था करीबन दो सौ करोड़ का बजट था जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम पे इस फिल्म ने बाईस वोट हासिल किए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से बाद में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कई सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए जहाँ पे 200-250 करोड़ के बजट के सामने जब फिल्म को रिलीज किया गया तो अच्छे बस के साथ फिल्म रिलीज हुई थी जिसके चलते पहले दिन फिल्म ने बहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर जहाँ पे सिर्फ इंडिया से ही बावन करोड़ का कलेक्शन निकल के आया हुआ था वहीं पर तमिलनाडु से तेईस करोड़ का कलेक्शन था पहले दिन केरला से पाँच करोड़ पिचासी लाख का तेलुगु स्टेट से यानी कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से दस करोड़ का कलेक्शन था कर्नाटक से ग्यारह करोड़ का और नॉर्थ इंडिया से साढ़े करोड़ का कलेक्शन हुआ था इंटरनेशनल मार्केट से 40 करोड़ का कलेक्शन किया था जिसके चलते पहले दिन इस फिल्म ने बहत्तर करोड़ का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड लेवल पे दर्ज किया उसके बाद में इक्कीस अगस्त दो तक जेलर फिल्म ने तमिलनाडु से एक करोड़ तक का कलेक्शन किया हुआ था आंध्र प्रदेश तेलंगाना से पिछहत्तर करोड़ का और कर्नाटक से साठ करोड़ तक का कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे ओवरसीज के मार्केट में इस फिल्म ने इक्कीस अगस्त दो तक करीबन एक करोड़ इकतीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने काफी बेहतरीन तरीके से एक बिजनेस दिखाया जिसके चलते दो सौ करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने छह

एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जेलर फिल्म का ओ वर्जन अगर आपको अभी ऑफिशियली देखना है तो वो आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से जेलर फिल्म का आप ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे जेलर जो दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको तेलुगु कन्नडा मलयालम हिंदी इन सभी वर्जन में डब करके साथ ही में रिलीज किया गया था जिसका मेन लैंग्वेज तमिल था फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ नेल्सन दिलीप कुमार ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें नेल्सन दिलीप कुमार ने ही की हुई जिनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बातचीत करें तो कोलम्बो कोकिला जिसमें नयन तारा लीड रोल में थी उस फिल्म से उन्होंने अपने राइटर डायरेक्टर की शुरुआत की हुई थी और दो में उस फिल्म ने एक अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाया था और बॉक्स ऑफिस पर वो एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी लेटर ऑन उसके बाद उन्होंने 2021 में डायरेक्ट फिल्म बनाई जिसका नाम था डॉक्टर जिसको भी उन्होंने ही लिखा डायरेक्ट किया तो जिसमें शिव कार्तिके और प्रियंका मोहन लीड रोल में थे और उस फिल्म ने भी सौ करोड़ के पार का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी खासी हिट फिल्म साबित हुई उसके बाद में 2022 में उन्होंने बेस्ट फिल्म बनाई जिसको लिखा और डायरेक्ट उन्होंने ही था लेकिन वो फिल्म उस तरह का कमल नहीं कर पाई जो उनकी पहली दो फिल्म कर पाई थी उसके बाद में उन्होंने ये जेलर फिल्म बनाई जहाँ पे जेलर फिल्म के साथ उन्होंने फिर से कम करके दिखाया इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो कालनीति मारन जो सन पिक्चर्स के ओन

स मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी जहां पे जब इस फिल्म को ऑफिशियली पे प्रीमियर करवाया टी टी परीमियर एक रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे मिनट का रन टाइम सेंसर सेंसर कर करवाया हुआ था पे सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में अनिरुद्ध रविचंद्र का, का काम देखने को मिलेगा जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे इन गानों को 2022 हजार बाईस से इसमें रिकॉर्ड किया गया था सन पिक्चर्स के द्वारा इसके राइट्स अपने पास ही रखे गए थे 18 मिनट चौबीस सेकंड का साउंड ट्रैक था जिसको 28 जुलाई हज़ार तेईस का ऑफिशियली रिलीज करवाया हुआ था अनिरुद्ध रविचंद ने फिल्म के लिए बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म का पहला गाना था कावाला उसको अनिरुद्ध रविचंद सॉरी अनुराजा कामराज ने लिखा हुआ था शिल्पा राव ने गाया हुआ था वहीं पे राथा मारे करके जो गाना था उसको विघ्नेश तिवान ने लिखा हुआ था विशाल मिश्रा ने गाया हुआ था थल और अलपपरा करके जो गाना था उसको सुपर सुबह ने लिखा हुआ था अनिरुद्ध रविचंद्र रजनीकांत ने गाया हुआ था जुजुबी ने इस इस गाने को सुपर सुबु ने लिखा हुआ था धी अनंता कृष्णा और अनिरुद्ध रविचंद्र ने गाया हुआ था इसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंटल थीम सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जैसे कि जेलर का एक थीम सेट किया हुआ था मुथुवेल पांडेन का थीम था जेलर का ड्रिल थीम था वहीं पर अलपारा का थीम था तो ये टोटल चार थीम भी थे तो इसके साथ टोटल आठ ट्रैक हुए थे जिसकी लेंथ थी अट्ठारह मिनट चौबीस सेकंड जिसको ऑफिशियली सन पिक्चर्स के द्वारा मल्टीपल लैंग्वेज में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स के ऊपर रिलीज करवाया हुआ था तो फिलहाल में सभी गाने वहां पर आप ऑफिशियली फॉर्मेट में सुन सकते हो अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की प्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं तो फिल्म के प्रोडक्शन के डेवलपमेंट 2021 में की गई थी जहाँ पे रिपोर्टली पता चला था कि रजनी खान के साथ एक सौ फिल्म नल्सन दिल दिलीप कुमार करने वाले जहाँ पे बिस्ट फिल्म के अफसा बाद वो इस के ऊपर काम करेंगे दस फरवरी दो को सन पिक्चर्स ने इस फिल्म को अनाउंस किया ऑफिशियली अनाउंस किया और जहाँ पे इस फिल्म को टेंटेटिव टाइटल थलाईवर वन सिक्स दिया हुआ था फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था जेलर उसको सत्रह जून दो को अनाउंस

सिनेमा में डेब्यू था बाद में वसंत रवि को कास्ट किया गया चिरा रजनीकांत के बेटे के रोल के लिए मम्मूटी को विनायकन ने जो रोल प्ले किया हुआ है वो ओरिजिनली ऑफर किया गया था मम्मूटी को विलन का रोल लेकिन वो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट के चलते वो चीजें सही नहीं बैठ पाई उसके बाद में जो सुनील तमन्ना भाटिया उनके भी एक एक केमी अपियरेंस होने वाले उन सभी चीज़ों के ऊपर भी अनाउंस हुई थी अनाउंसमेंट हुई थी मोहन लाल जे की इन सभी को भी इस फिल्म के लिए कास्ट किया हुआ था तो इस तरह से ये सभी चीज़ें देखने को मिली जहाँ पे जेके श्रोफ़ और रजनीकांत करीबन छत्तीस सालों के बाद इस फिल्म में काम करते एक साथ नज़र आए थे उत्तर दक्षिण फिल्म उन्होंने बनाई हुई थी साथ में हिंदी लैंग्वेज में उसके बाद इस फिल्म में उन्होंने काम किया हुआ है अब बात करें इस फिल्म की फिल्मिंग के ऊपर तो टेस्ट लोग शूट था जो वो जुलाई 2022 में चेन्नई में सेट किया हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो तीन अगस्त 2022 से हैदराबाद में स्टार्ट की हुई थी लेकिन कुछ चीज़ों के चलते फिल्म डिले हुई थी शूटिंग में तो जिसके चलते फिल्म को बाद में लेट शूट किया गया था जहाँ पे बाईस अगस्त को चेन्नई में एक शूटिंग सेट की गई थी अक्टूबर महीने में, में इस फिल्म को कड्डलोर में शूट किया हुआ था जनवरी दो में कुछ चीज़ें बाकी थी जिसको जैसलमेर में भी शूट किया हुआ था राजस्थान में उसके बाद में उसी महीने में इस फिल्म को मैंगलोर में भी कुछ सीन्स के लिए शूट किया हुआ था जहाँ पे शिवराज कुमार के साथ कुछ सीन्स फिल्माए गए थे मार्च में क्लाइमेक्स में एक क्लाइमेक्स सीन सेट किया हुआ था शूट के लिए जिसको अथरपल्ली फॉल्स और चलकुत्ती जो केरला में वहाँ पे शूट किया हुआ था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो एक जून दो हजार बाईस को रेपअप करवाई हुई थी तो ये फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग इस तरह से की गई थी जहाँ पे बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर भी काम किया हुआ था फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल तो रजनीकांत प्ले करे जो जेलर यानी कि टाइगर मथुव पांडेन का किरदार प्ले कर करे वर्मन का रोल विनायकन ने प्ले किया हुआ है विजया विजय विजी पांडेन का जो रोल है मुथुवेल की वाइफ का और रम्या कृष्णा ने प्ले किया हुआ है एसीपी अर्जुन पांडेन जो मथुवेल और विजय का बेटा है वो रोल वसंत रवि ने प्ले किया हुआ है कामना के रोल में तमन्ना पाटिया देखने को मिलेगी ब्लास्ट मोहन का रोल सुनील ने प्ले किया हुआ है विमल के रोल में योगी बाबू देखने को मिलेंगे श्वेता पांडेन जो अर्जुन की वाइफ का रोल है वो मीणा मेनन ने प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में ऋत्विक पांडेन यानी कि ऋतु का जो रोल है जो मुथुवेल का ने ने ऋत्विक ही प्ले किया हुआ है वहीं पे धनराज का रोल है वो हर्षद ने प्ले किया हुआ है दोखीनाथ का रोल जफर सादिक ने प्ले किया हुआ था का रोल रोल है वो जी मारे मुथु ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर एस धंदापानी का रोल है वी गणेश ने प्ले किया हुआ है दिव्यानाथन का रोल है वो रेडियन किंग्सले ने प्ले किया हुआ था बगुनारा बालू का रोल सुनील रेड्डी ने प्ले किया हुआ था सीनू का रोल सर्वानंद ने प्ले किया हुआ था इंस्पेक्टर जी कंगा लक्ष्मी का जो रोल था वो थांगी निशा ने प्ले किया हुआ है पुलिस कांस्टेबल के रोल में महानंदी सिंह का देखने को मिलेंगे राजा राव का रोल है वो पद्म कुमार ने प्ले किया हुआ था संजू का रोल कराटे कार्तिक को दिया गया था नसीमा के हेंचमैन के रोल में सुंगुनाथन देखने को मिलेंगे वहीं पर पंजू का जो रोल था वो बिल्ली मुरली ने प्ले किया हुआ था सिनू के मेजर का रोल है वो पावेल मनी ने प्ले किया हुआ था वर्मन के हैंचमैन का रोल है वो सूरज पॉप्स ने प्ले किया हुआ था वर्मन के दूसरे हेंचमैन का रोल है वो डांसर रमेश ने प्ले किया हुआ था करीम गैंगस्टर मेंबर का जो रोल था वो हाजी मोहम्मद ने प्ले किया हुआ था जाफार के रोल में किशोर देखने को मिलते हैं सिकंदर सिंह का रोल है वो मकरंदेश पांडे ने प्ले किया हुआ है सी ऑफिसर का जो अनक्रेडिटेड रोल था वो उदय बानो महेश्वरन ने प्ले किया हुआ है कुछ कम्यूअ अपीरेंस भी देखने को मिलेंगे बड़े बड़े कैम्यो अपियर जिसमें मोहन लाल ने मैथ्यू के रोल में कैम्यूअ अपीयरेंस दिया हुआ है नरसिमा के रोल में शिवराज कुमार ने कम्यू अपीरेंस दिया हुआ है कामदेव के रोल में जेकि श्रोव आपको कैम्यू अपियर देते हुए नजर आएंगे नागा बाबू मुथुवल के फॉर्मर कलिक के रोल में एक कैम्यूअपीरेंस दिए हुए थे वहीं पर कावा ला करके जो गाना है उसमें जाने ने कैम्यूपियंस दिया हुआ है तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो थुल पांडियन एक के मुथु यानी कि रजनीकांत वो एक रिटायर जेलर है जहाँ पे वो अपनी सिंपल लाइफ अपनी फैमिली के साथ जीते हुए नजर आते हैं उनके बेटे यानी कि अर्जुन जिसका रोल वसंत रवि प्ले कर रहे हैं वो एक सीसियर पुलिस ऑफिसर है जहाँ पे उनकी एक टसल है वो एक वर्मान नाम के एक एंटागोनी से हो जाती है एक स्मगलर से हो जाती है जिसका रोल विनायक प्ले करते हैं वो एंटिक पीस का स्मगलिंग करते हुए नजर आते हैं किसी एक दिन अर्जुन अचानक से मिस हो जाता है उसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट में एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है बाद में मुथुवेल पांडियन को जब इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है उसके बाद में उनको ये भी पता लगता है उनके बेटे को मार दिया गया है तो अब इसके पीछे कौन है क्यों मारा हुआ है उसको क्यों खत्म किया हुआ है वो सभी चीजें फिल्म में आगे जाके दिखाई जाती है उसके बाद में मुथुवेल पांडेन जब इन सभी चीज़ों को दे ढूंढने निकलता है जब वो अपने इस रास्ते पे निकलता है तब उसको कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट पता चलते हैं जहाँ पे उसका जो मोटो था वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है तो अब ये क्या है मुथुवेल पांडेन उन सभी चीज़ों को उन सरप्राइज को कैसे डील करेगा वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती हैं सुपरस्टार रजनीकांत काफ़ी लंबे समय के बाद इस टाइप के सॉलिड रोल में देखने के मिलते हैं आपको जहाँ पर उनका कैरेक्टराइजेशन काफ़ी बढ़िया तरीके से संदीप कुमार ने किया हुआ हुआ है रजनीकांत ने एक अंडर प्ले वाला जो फर्स्ट हाफ में काम किया हुआ था वो काफी बढ़िया नजर आता है जिस तरह के उनका एक फोर्स में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है वो भी काफी बढ़िया था इसके अलावा जिस तरह सेंटर ब्लॉक क्रिएट किया हुआ था वो भी काफी टेरिफिक नजर आता है रजनीकांत की कॉमेडी टाइमिंग आपको जरूर पसंद आएगी जो सीन के उनके योगी बाबू के साथ थे वो एक बढ़िया फन क्रिएट करते नजर आते एक डार्क कॉमेडी है वो फिल्म है वो काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है इसके अलावा इसमें अनिरुद्ध इस फिल्म के सेकंड पिलर कह सकते हैं जहाँ पे रत्नीकांत के बाद अनिरुद्ध का बैकग्राउंड स्कोर ही फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से लिफ्ट करने में मदद करता है सुपरस्टार के जितने भी जो सीन्स थे थंपिंग बैकग्राउंड स्कोर की वजह से वो सभी चीज़ें बेहतर हो जाती है एक एवरेज चीज़ को वो एक अच्छी तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी बनाने में मदद करते हैं हुक्म गाने का भी काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ किया हुआ है जिस तरह से उसको इंटरवल में यूज़ किया था वो भी बढ़िया था ओवरऑल इस फिल्म में जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर का यूज़ किया हुआ है वो अच्छा आएगा फिल्म को एक अच्छा सपोर्ट देता हुआ नजर आता है रम्या कृष्णन मीना मेनन विनायक रवि जैसे एक्टर्स काफी बढ़िया परफॉर्म करते हुए नजर आते दूसरे कुछ के देखने को मिलते हैं वो आपको जरूर ब्लो इन कर देंगे वो आपको जरूर पसंद आएंगे सुनील का तमना भाटिया का करेक्टराइजेशन जिस तरह से किया हुआ था वो फिल्म की स्टोरी लाइन को थोड़ा वीक करता हुआ नजर आता है उनके किरदार को मजबूत किया जा सकता था या तो उनके किरदार को हटा दिया जा सकता था इस फिल्म का जो प्लॉट है वो आपको उतना कुछ बड़ा नजर नहीं आएगा सेकंड हाफ में चीजें खींची हुई नजर आती है हाँ कुछ ह्यूमर था जिस तरह से चीजों को दिखाया हुआ था फर्स्ट हाफ में वो काफी एंगेजिंग था लेकिन उसके बाद में जिस तरह से कुछ चीजों को खींचा हुआ था वो फिल्म को बोर करता हुआ नजर आता है इमोशनल सीन्स बेहतर वे में, पेस किया जा सकते थे, फिल्म में कुछ भी डाले जा सकते थे फिल्म काफी लंबी थी उसको चॉप ऑफ किया जा सकता था लेकिन अनिरुद्ध का जो फैंटास्टिक बैकग्राउंड स्कोर था उसकी मदद से फिल्म काफी बढ़िया तरीके से कुछ सीन्स को एलिवेट करने में आगे बढ़ती है जिसके चलते ये सभी चीज़ें देखने में मजा आता है सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी सॉलिड नजर आती है एडिटिंग थी वो फिल्म की थोड़ी बेहतर की जा सकती थी खास करके सेकंड हाफ में डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार ने वैसे देखा जाए तो एक डिसेंट काम किया हुआ है रजनीकांत के किरदार को जिस तरह से लिखा हुआ था जिस तरह से उनको स्क्रीन प्ले में दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी यहाँ फिल्म लंबी थी सेकंड हाफ में थोड़ी लेट डाउन कर देती है वहाँ पर चीज़ें बेहतर होती फिल्म और बेहतर होती है लेकिन और देखा जाए तो एक परफॉर्मेंस और अनिरुद्ध का पेन पे इंडिया लेवल पे दस अगस्त दो को रिलीज किया गया था करीबन दो सौ करोड़ का बजट था जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स टू तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते फिल्म ने बाईस वोट हासिल किए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से बाद में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कई सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए जहाँ पे 200-250 करोड़ के बजट के सामने जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तो अच्छे बस के साथ फिल्म रिलीज हुई थी जिसके चलते पहले दिन फिल्म ने बहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर जहाँ पे सिर्फ इंडिया से ही बावन करोड़ का कलेक्शन निकल के आया हुआ था वहीं पर तमिलनाडु से तेईस करोड़ का कलेक्शन था पहले दिन केरला से पाँच करोड़ पिचासी लाख का तेलुगु स्टेट से यानी कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से दस करोड़ का कलेक्शन था कर्नाटक से ग्यारह करोड़ का और नॉर्थ इंडिया से साढ़े करोड़ का कलेक्शन हुआ था इंटरनेशनल मार्केट से 40 करोड़ का कलेक्शन किया था जिसके चलते पहले दिन इस फिल्म ने बहत्तर करोड़ का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड लेवल पे दर्ज किया उसके बाद में इक्कीस अगस्त दो तक ज्वेलर फिल्म ने तमिलनाडु से एक करोड़ तक का कलेक्शन किया हुआ था आंध्र प्रदेश तेलंगाना से पिछहतर करोड़ का और कर्नाटक से साठ करोड़ तक का कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे ओवरसीज के मार्केट में इस फिल्म ने इक्कीस अगस्त दो तक करीबन एक करोड़ इकतीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने काफी बेहतरीन तरीके से एक बिजनेस दिखाया जिसके चलते दो सौ करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने 600 सौ

एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जेलर फिल्म का ओ वर्जन अगर आपको अभी ऑफिशियली देखना है तो वो आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से जेलर फिल्म को आप ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलगू तमिल कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे जेलर जो दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको तेलुगु कन्नडा मलयालम हिंदी इन सभी वर्जन में डब करके साथ ही में रिलीज किया गया था जिसका मेन लैंग्वेज तमिल था फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ नेल्सन दिलीप कुमार ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें नेल्सन दिलीप कुमार ने ही की हुई जिनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बातचीत करें तो कोलम्बो कोकिला जिसमें नयन तारा लीड रोल में थी उस फिल्म से उन्होंने अपने राइटर डायरेक्टर की शुरुआत की हुई थी वो दो में उस फिल्म ने एक अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाया था और बॉक्स ऑफिस पर वो एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी लेटर ऑन उसके बाद उन्होंने 2021 में डायरेक्ट फिल्म बनाई जिसका नाम था डॉक्टर जिसको भी उन्होंने ही लिखा डायरेक्ट किया तो जिसमें शिव कार्तिके और प्रियंका मोहन लीड रोल में थे और उस फिल्म ने भी सौ करोड़ के पार का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी खासी हिट फिल्म साबित हुई उसके बाद में 2022 में उन्होंने बेस्ट फिल्म बनाई जिसको लिखा और डिरेक्ट उन्होंने ही था लेकिन वो फिल्म उस तरह का कमल नहीं कर पाई जो उनकी पहली दो फिल्म कर पाए थे उसके बाद में उन्होंने ये जेलर फिल्म बनाई जहाँ पे जेलर फिल्म के साथ उन्होंने फिर से कम करके दिखाया इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो कालनीति मारन जो सन पिक्चर्स के ओनर है उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इसको प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट दोनों किया हुआ है वहीं पे म्यूजिक के राइट्स भी उन्होंने अपने ही पास रखे हुए लीड रोल में सुपरस्टार

अनिरुद्ध रविचंद सॉरी अनुराजा कामराज ने लिखा हुआ था शिल्पा राव ने गाया हुआ था वहीं पे राथा मारे करके जो गाना था उसको विघ्नेश सिवान ने लिखा हुआ था विशाल मिश्रा ने गाया हुआ था हुकुम थलाई और अलपपरा करके जो गाना था उसको सुपर सुबह ने लिखा हुआ था अनिरुद्ध रविचंद्र रजनीकांत ने गाया हुआ था जुजुबी ने इस इस गाने को सुपर सुबु ने लिखा हुआ था धी अनंता कृष्णा और अनिरुद्ध रविचंद्र ने गाया हुआ था इसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंटल थीम सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जैसे कि जेलर का एक थीम सेट किया हुआ था मुथुवेल पांडेन का थीम था जेलर का ड्रिल थीम था वहीं पर अलपारा का थीम था तो ये टोटल चार थीम भी थे तो इसके साथ टोटल आठ ट्रैक हुए थे जिसकी लेंथ थी अट्ठारह मिनट चौबीस सेकंड जिसको ऑफिशियली सन पिक्चर्स के द्वारा मल्टीपल लैंग्वेज में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स के ऊपर रिलीज करवाया हुआ था तो फिलहाल मैं सभी गाने वहां पर आप ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की प्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं तो फिल्म के प्रोडक्शन की डेवलपमेंट 2021 में की गई थी जहाँ पे रिपोर्टली पता चला था कि रजनी खान के साथ एक सौ फिल्म नेल्सन दिल दिलीप कुमार करने वाले जहाँ पे बिस्ट फिल्म के बाद वो इस के ऊपर काम करेंगे दस फरवरी दो को सन पिक्चर्स ने इस फिल्म को अनाउंस किया ऑफिशियल अनाउंस किया और जहाँ पे इस फिल्म को टेंटेटिव टाइटल थलाईवर वन सिक्स दिया हुआ था फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था जेलर उसको सत्रह जून दो को अनाउंस किया

सिनेमा में डेब्यू था बाद में वसंत रवि को कास्ट किया गया रजनीकांत के बेटे के रोल के लिए ममूटी को विनायकन ने जो रोल प्ले किया हुआ है वो ओरिजिनली ऑफर किया गया था ममूटी को विलन का रोल लेकिन वो शेड्यूल कॉन्फ्लिक के चलते वो चीज़ें सही नहीं बैठ पाई उसके बाद में जो सुनील तमन्ना भाटिया उनके भी एक एक केमी अपीरेंस होने वाले उन सभी चीज़ों के ऊपर भी अनाउंस हुई थी अनाउंसमेंट हुई थी मोहन लाल जेकी सरोप इन सभी को भी इस फिल्म के लिए कास्ट किया हुआ था तो इस तरह से ये सभी चीज़ें देखने को मिली जहाँ पे जे की शोप और रजनीकांत करीबन छत्तीस सालों के बाद इस फिल्म में काम करते एक साथ नज़र आए थे उत्तर दक्षिण फिल्म उन्होंने बनाई हुई थी साथ में हिंदी लैंग्वेज में उसके बाद इस फिल्म में उन्होंने काम किया हुआ है अब बात करें इस फिल्म की आ, फिल्मिंग के ऊपर तो टेस्ट लो शूट था जो वो जुलाई 2022 में चेन्नई में सेट किया हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो तीन अगस्त 2022 से हैदराबाद में स्टार्ट की हुई थी लेकिन कुछ चीज़ों के चलते फिल्म डिले हुई थी शूटिंग में तो जिसके चलते फिल्म को बाद में लेट शूट किया गया था जहां पे 22 अगस्त को चेन्नई में एक शूटिंग सेट की गई थी अक्टूबर महीने में, में इस फिल्म को कड्डलोर में शूट किया हुआ था जनवरी दो में कुछ चीज़ें बाकी थी जिसको जयसलमर में भी शूट किया हुआ था राजस्थान स्थान में उसके बाद में उसी महीने में इस फिल्म को मैंगलोर में भी कुछ सीन्स के लिए शूट किया हुआ था जहाँ पे शिवराज कुमार के साथ कुछ सीन्स फिल्माए गए थे मार्च में क्लाइमेक्स में एक क्लाइमेक्स सीन सेट किया हुआ था शूट के लिए जिसको अथरपल्ली फॉल्स और चलकुत्ती जो केरला में वहाँ पर शूट किया हुआ था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो एक जून दो हज़ार बाईस को रेपअप करवाई हुई थी तो ये फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग इस तरह से की गई थी जहाँ पे बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर भी काम किया हुआ था फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल तो रजनीकांत प्ले करे जो हाँ जेलर यानी कि टाइगर मुथुवेल पांडेन का किरदार प्ले कर रहे वर्मन का रोल विनायकन ने प्ले किया हुआ है विजया विजी पांडेन का जो रोल है मुथुवेल की वाइफ का और रम्या कृष्णा ने प्ले किया हुआ है एसीपी अर्जुन पांडेन जो मथुवेल और विजी का बेटा है वो रोल वसंत रवि ने प्ले किया हुआ है कामना के रोल में तमन्ना पाटिया देखने को मिलेगी ब्लास्ट मोहन का रोल सुनील ने प्ले किया हुआ है विमल के रोल में योगी बाबू देखने को मिलेंगे श्वेता पांडेन जो अर्जुन की वाइफ का रोल है वो मीणा मेनन ने प्ले किया हुआ है वहीं पर इस फिल्म में ऋत्विक पांडेन यानी कि ऋतु का जो रोल है जो मथुवेल का सर ने वो रोल ऋतविक ने प्ले किया हुआ है वहीं पे का रोल है वो हर्षद ने प्ले किया हुआ है दोकी का रोल जफर सादिक ने प्ले किया हुआ था पानीर का रोल है वो जी मारे मथु ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर एस धंदापानी का रोल है गणेश ने प्ले किया हुआ है दिव्यानाथन का रोल है वो रेडिन किंग्सले ने प्ले किया हुआ था बगुनारा बालू का रोल सुनील रेड्डी ने प्ले किया हुआ था सीनू का रोल सर्वानंद ने प्ले किया हुआ था इंस्पेक्टर जी कंगा लक्ष्मी का जो रोल था वो थांगी इद्निसा ने प्ले किया हुआ है पुलिस कांस्टेबल के रोल में महानंदी सिंह देखने को मिलेंगे राजा राव का रोल है वो पदम कुमार ने प्ले किया हुआ था संजू का रोल कराटे कार्तिक को दिया गया था नसीमा के हैंचमैन के रोल में सुंगुनाथन देखने को मिलेंगे वहीं पे पंजू का जो रोल था वो बिल्ली मुरली ने प्ले किया हुआ था सीनू के मेजर का रोल है वो पावेल मनी ने प्ले किया हुआ था वर्मन के हैंचमैन का रोल है वो सूरज पॉप्स ने प्ले किया हुआ था वर्मन के दूसरे हैंचमैन का रोल है वो डांसर रमेश ने प्ले किया हुआ था करीम गैंगस्ट मेंबर का जो रोल था वो हाजी मोहम्मद ने प्ले किया हुआ था जाफार के रोल में किशोर देखने को मिलते हैं सिकंदर सिंह का रोल है मकरंद देश पांडे ने प्ले किया हुआ है सीबीआई ऑफिसर का जो अनक्रेडिटेड रोल था वो उदय महेश्वरन ने प्ले किया हुआ है कुछ कम्योपीरियंस भी देखने को मिलेंगे बड़े बड़े कैम्यो अपीरियंस जिसमें मोहन ने मैथ्यू के रोल में कैम्यपियंस दिया हुआ है नरिसम्मा के रोल में शिवराज कुमार ने कैम्यपेरेंस दिया हुआ है कामदेव के रोल में जेकि सरव आपको कैम्यो अपीरियंस देते हुए नजर आएंगे नागा बाबू मुथुवे के फॉर्मर कलिक के रोल में एक कैम्यो अपेरेंस दिए हुए थे वहीं पर कावा ला करके जो गाना है उसमें जाने ने कैम्यपिर दिया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थे जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो मथुवल पांडेन ए के मुथु यानी कि रजनीकांत वो एक रिटायर्ड जेलर है जहाँ पे वो अपनी सिंपल लाइफ अपनी फैमिली के साथ जीते हुए नजर आते हैं उनके बेटे यानी कि अर्जुन जिसका रोल वसंत रवि प्ले कर रहे हैं वो एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर है जहाँ पे उनकी एक टसल है वो एक वर्मान नाम के एक एंटागोनी से हो जाती है एक स्मगलर से हो जाते जिसका रोल विनायकन प्ले करते हैं वो एंटिक पीस का स्मगलर करते हुए नजर आते हैं किसी एक दिन अर्जुन अचानक से मिस हो जाता है उसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट में एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है बाद में मथुवेल पांडियन को जब इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है उसके बाद में उनको ये भी पता लगता है कि उनके बेटे को मार दिया गया है तो इसके पीछे कौन है क्यों मारा हुआ है उसको क्यों खत्म किया हुआ है वो सभी चीजें फिल्म में आगे जाके दिखाई जाती है उसके बाद में मोथुवैल पांडेन जब इन सभी चीज़ों को दे ढूंढने निकलता है जब वो अपने इस रास्ते पे निकलता है तब उसको कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट पता चलते हैं जहाँ पे उसका जो मोटो था वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है तो अब ये क्या है मोथुवेल पांडेन उन सभी चीज़ों को उन सरप्राइज़ को, को कैसे डील करेगा वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है सुपरस्टार रजनीकांत काफ़ी लंबे समय के बाद इस टाइप के सोलड रोल में देखने के मिलते हैं आपको जहाँ पर उनका कैरेक्टराइजेशन काफ़ी बढ़िया तरीके से दिलीप कुमार ने किया हुआ

इसके अलावा इसमें अनिरुद्ध इस फिल्म के सेकंड पिलर कह सकते हैं जहाँ पे रजनीकांत के बाद अनिरुद्ध का बैकग्राउंड स्कोर ही फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से लिफ्ट करने में मदद करता है सुपरस्टार के जितने भी जो सीन्स थे थंपिंग बैकग्राउंड स्कोर की वजह से वो सभी चीज़ें बेहतर हो जाती है एक एवरेज चीज़ को वो एक अच्छी तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डीरी बनाने में मदद करते हैं हुकुम गाने का भी काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ किया हुआ है जिस तरह से उसको इंटरवल में यूज़ किया था वो भी बढ़िया था ओवरऑल इस फिल्म में जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर का यूज़ किया हुआ है वो अच्छा नज़र

ह्यूमर था जिस तरह से चीजों को दिखाया हुआ था फर्स्ट हाफ में वो काफी था लेकिन उसके बाद में जिस तरह से कुछ चीजों को खींचा हुआ था वो फिल्म को बोर करता हुआ नजर आता है इमोशनल सीन्स बेहतर वे में, पेस किया जा सकते थे, फिल्म में कुछ भी डाले जा सकते थे फिल्म काफी लंबी थी उसको चॉप अप किया जा सकता था लेकिन अनिरुद्ध का जो फेंटास्टिक बैकग्राउंड स्कोर था उसकी मदद से फिल्म काफी बढ़िया तरीके से कुछ सीन्स को एलिवेट करने में आगे बढ़ती है जिसके चलते ये सभी चीज़ें देखने में मज़ा आता है सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी सॉलिड नज़र आती है एडिटिंग थी वो फिल्म की थोड़ी बेहतर की जा सकती थी खास करके सेकंड आप में डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार ने वैसे देखा जाए तो एक डिसन काम किया हुआ है रजनीकांत के किरदार को जिस तरह से लिखा हुआ था जिस तरह से उनको स्क्रीन प्ले में दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी यहाँ फिल्म लंबी थी सेकंड आप में थोड़ी लेट डाउन कर देती है वहाँ पर चीज़ें बेहतर

फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कई सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए जहाँ पे 200-250 करोड़ के बजट के सामने जब फिल्म को रिलीज किया गया था अच्छे बस के साथ फिल्म रिलीज हुई थी जिसके चलते पहले दिन फिल्म ने बहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर जहाँ पे सिर्फ इंडिया से ही बावन करोड़ का कलेक्शन निकल के आया हुआ था वहीं पर तमिलनाडु से तेईस करोड़ का कलेक्शन था पहले दिन केरला से पांच करोड़ पिचासी लाख का तेलुगु स्टेट से यानी कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से दस करोड़ का कलेक्शन था कर्नाटक से ग्यारह करोड़ का और नॉर्थ इंडिया से साढ़े करोड़ का कलेक्शन हुआ था इंटरनेशनल मार्केट से चालीस करोड़ का कलेक्शन किया था जिसके चलते पहले दिन इस फिल्म ने बहत्तर करोड़ का कलेक्शन का करोड़ का दिखाया जहां पे ओवरसीज के मार्केट में इस फिल्म ने इक्कीस अगस्त दो तक करीब एक करोड़ इकतीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने काफी बेहतरीन तरीके से बिजनेस दिखाया जिसके चलते दो सौ करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने 600 से साढ़े छह

एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जेलर फिल्म का ओ वर्जन अगर आपको अभी ऑफिशियली देखना है तो वो आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से जेलर फिल्म का आप ऑफिशियली ओटी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे जेलर जो दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको तेलुगु कन्नड़ा मलयालम हिंदी इन सभी वर्जन में डब करके साथ ही में रिलीज किया गया था जिसका मेन लैंग्वेज तमिल था फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ नेल्सन दिलीप कुमार ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीजें नेल्सन दिलीप कुमार ने ही की हुई जिनकी फ़िल्मोग्राफी के बारे में बातचीत करें तो कोलम्बो कोकिला जिसमें नयन तारा लीड रोल में थी उस फिल्म से उन्होंने अपने राइटर डायरेक्टर की शुरुआत की हुई थी और 2018 में उस फिल्म ने एक अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाया था और बॉक्स ऑफिस पे वो एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी लेटर ऑन उसके बाद उन्होंने दो में डायरेक्ट फिल्म बनाई जिसका नाम था डॉक्टर जिसको भी उन्होंने ही लिखा डिरेक्ट किया तो जिसमें शिव कार्तिके और प्रियंका मोहन लीड रोल में थे और उस फिल्म ने भी सौ करोड़ के पार का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी खासी हिट फिल्म साबित हुई उसके बाद में 2022 में उन्होंने बेस्ट फिल्म बनाई जिसको लिखा और डायरेक्ट उन्होंने ही था लेकिन वो फिल्म उस तरह का कमल नहीं कर पाई जो उनकी पहली दो फिल्म कर पाई थी उसके बाद में उन्होंने ये जेलर फिल्म बनाई जहाँ पे जेलर फिल्म के साथ उन्होंने फिर से कम करके दिखाया इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो कालनीति मारन जो सन पिक्चर्स के ओनर है उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इसको प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट दोनों किया हुआ है वहीं पर म्यूजिक के राइट्स भी उन्होंने अपने ही पास रखे हुए लीड रोल में सुपरस्टार रदनीकां विनायकन रम्या कृष्णन वसंत रवि जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट काफी लंबी है और कुछ बड़े बड़े कैमियो भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं फिल्म की टेक्निकल टीम में जो विजय कार्तिक कन्न है वो सिनेमाटोग्राफी करते हुए नजर आएंगे आर निर्मल ने एडिटिंग की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे और अड़तालीस मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी जहां पर जब इस फिल्म को ऑफिशियली ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया वहां पर एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे चवालीस मिनट का

अनरुद्रविचंद सॉरी अनुराजा कामराज ने लिखा हुआ था शिल्पाव ने गाया हुआ था वहीं पे राथा करके जो गाना था उसको विघ्नेश सिंह ने लिखा हुआ था विशाल मिश्रा ने गाया हुआ था थल और अलपपरा करके जो गाना था उसको सुपर सुबह ने लिखा हुआ था अनिरुद्ध रविचंद्र रजनीकांत ने गाया हुआ था ने इस इस गाने को सुपर सुबह ने लिखा हुआ था धी अनंत कृष्णा और अनिरुद्ध रविचंद्र ने गाया हुआ था इसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंटल थीम सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जैसे कि जेलर का एक थीम सेट किया हुआ था मुथुवेल पांडेन का थीम था जेलर का ड्रिल थीम था वहीं पर अलपारा का थीम था तो ये टोटल चार थीम भी थे तो इसके साथ टोटल आठ ट्रैक हुए थे जिसकी लेंथ थी अट्ठारह मिनट चौबीस सेकंड जिसको ऑफिशियली सन पिक्चर्स के द्वारा मल्टीपल लैंग्वेज में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स के ऊपर रिलीज करवाया हुआ था तो फिलहाल में सभी गाने वहां पे आप ऑफिशियल फॉर्मेट में सुन सकते हो अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की प्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं तो फिल्म के प्रोडक्शन के डेवलपमेंट 2021 में की गई थी जहाँ पे रिपोर्टली पता चला था कि रजनी खान के साथ एक सौ फिल्म नेल्सन दिल दिलीप कुमार करने वाले जहाँ पे बिस्ट फिल्म के अफसा बाद वो इस के ऊपर काम करेंगे दस फरवरी दो को सन पिक्चर्स ने इस फिल्म को अनाउंस किया ऑफिशियली अनाउंस किया और जहाँ पे इस फिल्म को टेंटेटिव टाइटल थलाईवर वन सिक्स दिया हुआ था फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था जेलर उसको सत्रह जून दो को अनाउंस

सिनेमा में डेब्यू था बाद में वसंत रवि को कास्ट किया गया रजनीकांत के बेटे के रोल के लिए ममूटी को विनायकन ने जो रोल प्ले किया हुआ है वो ओरिजिनली ऑफर किया गया था ममूटी को विलन का रोल लेकिन वो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट के चलते वो चीज़ें सही नहीं बैठ पाई उसके बाद में जो सुनील तमन्ना भाटिया उनके भी एक एक केमी अपियरेंस होने वाले उन सभी चीज़ों के ऊपर भी अनाउंस हुई थी अनाउंसमेंट हुई थी मोहन लाल जे की इन सभी को भी इस फिल्म के लिए कास्ट किया हुआ था तो इस तरह से ये सभी चीज़ें देखने को मिली जहाँ पे जेके श्रोफ और रजनीकांत करीबन छत्तीस सालों के बाद इस फिल्म में काम करते एक साथ नज़र आए थे उत्तर दक्षिण फिल्म उन्होंने बनाई हुई थी साथ में हिंदी लैंग्वेज में उसके बाद इस फिल्म में उन्होंने काम किया हुआ है अब बात करें इस फिल्म की आ, फिल्मिंग के ऊपर तो टेस्ट लूग शूट था जो वो जुलाई 2022 में चेन्नई में सेट किया हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो तीन अगस्त 2022 से हैदराबाद में स्टार्ट की हुई थी लेकिन कुछ चीज़ों के चलते फिल्म डिले हुई थी शूटिंग में तो जिसके चलते फिल्म को बाद में लेट शूट किया गया था जहाँ पे बाईस अगस्त को चेन्नई में एक शूटिंग सेट की गई थी अक्टूबर महीने में, में इस फिल्म को कड्डलोर में शूट किया हुआ था जनवरी दो में कुछ चीज़ें बाकी थी जिसको जैसलमेर में भी शूट किया हुआ था राजस्थान में उसके बाद में उसी महीने में इस फिल्म को मैंगलोर में भी कुछ सीन्स के लिए शूट किया हुआ था जहाँ पे शिवराज कुमार के साथ कुछ सीन्स फिल्माए गए थे मार्च में क्लाइमेक्स में एक क्लाइमेक्स सीन सेट किया हुआ था शूट के लिए जिसको अथरपल्ली फॉल्स और चलकुत्ती जो केरला में वहाँ पे शूट किया हुआ था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो एक जून दो हजार बाईस को रेपअप करवाई हुई थी तो ये फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग तर, इस तरह से की गई थी जहाँ पे बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर भी काम किया हुआ था फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल तो भी रजनीकांत प्ले करे जो हाँ जेलर यानी कि टाइगर मथुवेल पांडेन का किरदार प्ले कर रहे वर्मन का रोल विनायकन ने प्ले किया हुआ है विजय विजी, विजी पांडेन का जो रोल है मथुवेल की वाइफ का और रम्या कृष्णा ने प्ले किया हुआ है एसीपी अर्जुन पांडेन जो मथुवेल और विजी का बेटा है वो रोल वसंत रवि ने प्ले किया हुआ है कामना के रोल में तमन्ना भाटिया देखने को मिलेगी ब्लास्ट मोहन का रोल सुनील ने प्ले किया हुआ है विमल के रोल में योगी बाबू देखने को मिलेंगे श्वेता पांडेन जो अर्जुन की वाइफ का रोल है वो मीना मेनन ने प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में ऋत्विक पांडेय यानी कि ऋतु का जो रोल है जो मथुवेल का

कंगा लक्ष्मी का जो रोल था वो थांगी निशा ने प्ले किया हुआ है पुलिस कांस्टेबल के रोल में महानंदी सिंह का देखने को मिलेंगे राजा राव का रोल है वो पद्म कुमार ने प्ले किया हुआ था संजू का रोल कराटे कार्तिक को दिया गया था नसीमा के हैंचमैन के रोल में सुंगुनाथन देखने को मिलेंगे वहीं पर पंजू का जो रोल था वो बिल्ली मुरली ने प्ले किया हुआ था सीनू के मेजर का रोल है वो पावेल मनी ने प्ले किया हुआ था वर्मन के हैंचमैन का रोल है वो सूरज पॉप्स ने प्ले किया हुआ था वर्मन के दूसरे हेंचमैन का रोल है वो डांसर रमेश ने प्ले किया हुआ था करीम गैंगस्टर मेंबर का जो रोल था वो हाजी मोहम्मद ने प्ले किया हुआ था जाफार के रोल में किशोर देखने को मिलते हैं सिकंदर सिंह का रोल है वो मकरंद पांडे ने प्ले किया हुआ है सीबीआई ऑफिसर का जो अनक्रेडिटेड रोल था वो उदय बानो महेश्वरन ने प्ले किया हुआ है कुछ कैम्यो अपीरेंस भी देखने को मिलेंगे बड़े बड़े कैम्यो अपीरियंस जिसमें मोहन ने मैथ्यू के रोल में कैम्यो अपीरेंस दिया हुआ है नरसिमा के रोल में शिवराज कुमार ने कम्यू अपीरेंस दिया हुआ है कामदेव के रोल में जेकि सरव आपको कम्यूअ अपीरियंस देते हुए नजर आएंगे नागा बाबू मुथुवेल के फॉर्मर कलिक के रोल में एक कैम्यो अपियरेंस दिए हुए थे वहीं पर कावा ला करके जो गाना है उसमें जाने ने कम्यो अपीरेंस दिया हुआ है तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो मुथुवेल पांडियन ए के मुथु यानी कि रजनीकांत वो एक रिटायर जेलर है जहाँ पे वो अपनी सिंपल लाइफ अपनी फैमिली के साथ जीते हुए नजर आते हैं उनके बेटे यानी कि अर्जुन जिसका रोल वसंत रवि प्ले कर रहे हैं वो एक सीसियर पुलिस ऑफिसर है जहाँ पे उनकी एक टसल है वो एक वर्मान नाम के एक, एक एंटागोनी से हो जाती है एक स्मगलर से हो जाती है जिसका रोल विनायकन प्ले करते हैं वो एंटिक पीस का स्मगलर कर, कर, करते हुए नजर आते हैं किसी एक दिन अर्जुन अचानक से मिस हो जाता है उसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट में एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है बाद में मुथुवेल पांडियन को जब इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है उसके बाद में उनको ये भी पता लगता है कि उनके बेटे को मार दिया गया है तो अब इसके पीछे कौन है क्यों मारा हुआ है उसको क्यों खत्म किया हुआ है वो सभी चीजें फिल्म में आगे जाके दिखाई जाती है उसके बाद में मुथुवेल पांडेन जब इन सभी चीज़ों को दे ढूंढने निकलता है जब वो अपने इस रास्ते पे निकलता है तब उसको कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट पता चलते हैं जहाँ पे उसका जो मोटो था वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है तो अब ये क्या है मुथुवेल पांडेन उन सभी चीज़ों को उन सरप्राइज़ को, को कैसे डील करेगा वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है सुपरस्टार रजनीकांत काफ़ी लंबे समय के बाद इस टाइप के सॉलिड रोल में देखने के मिलते हैं आपको जहाँ पर उनका कैरेक्टराइजेशन काफ़ी बढ़िया तरीके से दिलीप कुमार ने किया हो हुआ है रजनीकांत ने एक अंडर प्ले वाला जो फर्स्ट हाफ में काम किया हुआ था वो काफी बढ़िया नजर आता है जिस तरह के उनका एक फोर्स में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है वो भी काफी बढ़िया था इसके अलावा जिस तरह सेंटर ब्लॉक क्रिएट किया हुआ था वो भी काफी टेरिफिक नजर आता है रजनीकांत की कॉमेडी टाइमिंग आपको जरूर पसंद आएगी जो सीन के उनके योगी बाबू के साथ थे वो एक बढ़िया फन क्रिएट करते नजर आते एक डार्क कॉमेडी है वो फिल्म में वो काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है इसके अलावा इसमें अनिरुद्ध इस फिल्म के सेकंड पिलर कह सकते हैं जहाँ पे रत्नीकांत के बाद अनिरुद्ध का बैकग्राउंड स्कोर ही फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से लिफ्ट करने में मदद करता है सुपरस्टार के जितने भी जो सीन्स थे थंपिंग बैकग्राउंड स्कोर की वजह से वो सभी चीज़ें बेहतर हो जाती है एक एवरेज चीज़ को वो एक अच्छी तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी बनाने में मदद करते हैं हुकुम गाने का भी काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ किया हुआ है जिस तरह से उसको इंटरवल में यूज़ किया था वो भी बढ़िया था ओवरऑल इस फिल्म में जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर का यूज़ किया हुआ है वो अच्छा नज़र

ह्यूमर था जिस तरह से चीजों को दिखाया हुआ था फर्स्ट हाफ में वो काफी था लेकिन उसके बाद में जिस तरह से कुछ चीजों को खींचा हुआ था वो फिल्म को बोर करता हुआ नजर आता है इमोशनल सीन्स बेहतर कुछ बेहतरीन ट्विस्ट भी डाले जा सकते थे फिल्म काफी लंबी थी उसको चॉप ऑफ किया जा सकता था लेकिन अनिरुद्ध का जो फेंटास्टिक बैकग्राउंड स्कोर था उसकी मदद से फिल्म काफी बढ़िया तरीके से कुछ सीन्स को एलिवेट करने में आगे बढ़ती है जिसके चलते ये सभी चीज़ें देखने में मजा आता है सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी सॉलिड नजर आती है एडिटिंग थी वो फिल्म की थोड़ी बेहतर की जा सकती थी खास करके सेकंड आप में डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार ने वैसे देखा जाए तो एक डिसन काम किया हुआ है रजनीकांत के किरदार को जिस तरह से लिखा हुआ था जिस तरह से उनको स्क्रीन प्ले में दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी यहाँ फिल्म लंबी थी सेकंड आप में थोड़ी लेट डाउन कर देती है वहाँ पर चीज़ें बेहतर होती फिल्म और बेहतर होती लेकिन और देखा जाए तो एक का, एंगेजिंग एक्शन ड्रामा फिल्म है जहां पे रजनीकांत की परफॉर्मेंस और अनिरुद्ध का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आसानी से बचा ले जाता है उनकी वजह से फिल्म फिल्म आप जरूर देख सकते हो जहां पे जेलर फिल्म को पेन इंडिया लेवल पे 10 अगस्त 2023 को रिलीज किया गया था करीबन दो सौ करोड़ का बजट था जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डीवीपी फिल्म ने बाईस वोट हासिल किए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से बाद में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कई सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए जहाँ पे 200-250 करोड़ के बजट के सामने जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तो अच्छे बस के साथ फिल्म रिलीज हुई थी जिसके चलते पहले दिन फिल्म ने बहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर जहाँ पे सिर्फ इंडिया से ही बावन करोड़ का कलेक्शन निकल के आया हुआ था वहीं पर तमिलनाडु से तेईस करोड़ का कलेक्शन था पहले दिन केरला से पाँच करोड़ पिचासी लाख का तेलुगू स्टेट से यानी कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से दस करोड़ का कलेक्शन था कर्नाटक से ग्यारह करोड़ का और नॉर्थ इंडिया से साढ़े करोड़ का कलेक्शन हुआ था इंटरनेशनल मार्केट से 40 करोड़ का कलेक्शन किया था जिसके चलते पहले दिन इस फिल्म ने बहत्तर करोड़ का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड लेवल पर दर्ज किया उसके बाद में इक्कीस अगस्त दो तक जेलर फिल्म ने तमिलनाडु से एक करोड़ तक का कलेक्शन किया हुआ था आंध्र प्रदेश तेलंगाना से पिछहत्तर करोड़ का और कर्नाटक से साठ करोड़ तक का कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे ओवरसीज के मार्केट में इस फिल्म ने इक्कीस अगस्त दो तक करीबन एक करोड़ इकतीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने काफी बेहतरीन तरीके से एक बिजनेस दिखाया जिसके चलते दो सौ करोड़ के बजट के सामने फिल्म छह सौ से साढ़े छः सौ का करोड़ का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर करके दिखाया तो ये एक अच्छा कलेक्शन हुआ और जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी इस फिल्म के ओ टी राइट से वो अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम हिंदी सभी वर्जन के लिए तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर जेलर नाम के साथ हिंदी तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में विथ इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन देख सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जेलर फिल्म का ओ वर्जन अगर आपको अभी ऑफिशियली देखना है तो वो आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से जेलर फिल्म का आप ऑफिशियली ओ और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की प्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं तो फिल्म के प्रोडक्शन के डेवलपमेंट 2021 में की गई थी जहाँ पे रिपोर्टली पता चला था कि रजनी खान के साथ एक सौ फिल्म नेल्सन दिल दिलीप कुमार करने वाले जहाँ पे बिस्ट फिल्म के अफसा बाद वो इस के ऊपर काम करेंगे दस फरवरी दो को सन पिक्चर्स ने इस फिल्म को अनाउंस किया ऑफिशियली अनाउंस किया और जहाँ पे इस फिल्म को टेंटेटिव टाइटल थलाईवर वन सिक्स दिया हुआ था फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था जेलर उसको सत्रह जून दो को अनाउंस

सिनेमा में डेब्यू था बाद में वसंत रवि को कास्ट किया गया रजनीकांत के बेटे के रोल के लिए ममूटी को विनायकन ने जो रोल प्ले किया हुआ है वो ओरिजिनली ऑफर किया गया था ममूटी को विलन का रोल लेकिन वो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट के चलते वो चीजें सही नहीं बैठ पाई उसके बाद में जो सुनील तमन्ना भाटिया उनके भी एक एक केमी अपियरेंस होने वाले उन सभी चीज़ों के ऊपर भी अनाउंस हुई थी अनाउंसमेंट हुई थी मोहन लाल जेकी सरोप इन सभी को भी इस फिल्म के लिए कास्ट किया हुआ था तो इस तरह से ये सभी चीज़ें देखने को मिली जहाँ पे जेके की और रजनीकांत करीबन छत्तीस सालों के बाद इस फिल्म में काम करते एक साथ नज़र आए थे उत्तर दक्षिण फिल्म उन्होंने बनाई हुई थी साथ में हिंदी लैंग्वेज में उसके बाद इस फिल्म में उन्होंने काम किया हुआ है अब बात करें इस फिल्म की फिल्मिंग के ऊपर तो टेस्ट लोग शूट था जो वो जुलाई 2022 में चेन्नई में सेट किया हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो तीन अगस्त 2022 से हैदराबाद में स्टार्ट की हुई थी लेकिन कुछ चीज़ों के चलते फिल्म डिले हुई थी शूटिंग में तो जिसके चलते फिल्म को बाद में लेट शूट किया गया था जहाँ पर बाईस अगस्त को चेन्नई में एक शूटिंग सेट की गई थी अक्टूबर महीने में, में इस फिल्म को कड्डलोर में शूट किया हुआ था जनवरी दो में कुछ चीज़ें बाकी थी जिसको जैसलमेर में भी शूट किया हुआ था राजस्थान में उसके बाद में उसी महीने में इस फिल्म को मैंगलोर में भी कुछ सीन्स के लिए शूट किया हुआ था जहाँ पे शिवराज कुमार के साथ कुछ सीन्स फिल्माए गए थे मार्च में क्लाइमेक्स में एक क्लाइमेक्स सीन सेट किया हुआ था शूट के लिए जिसको अथरपल्ली फॉल्स और चलकुत्ती जो केरला में वहाँ पे शूट किया हुआ था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो एक जून दो बाईस को बाईस अप करवाई हुई थी तो ये फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग इस तरह से की गई थी जहाँ पे बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर भी काम किया हुआ था फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल तो वी रजनीकांत प्ले करे जो हाँ जेलर यानी कि टाइगर मथुवेल पांडेन का किरदार प्ले कर रहे वर्मन का रोल विनायकन ने प्ले किया हुआ है विजय विजी पांडेन का जो रोल है मथुवेल की वाइफ का और रम्या कृष्णा ने प्ले किया हुआ है एसीपी अर्जुन पांडेन जो मथुवेल और विजी का बेटा है वो रोल वसंत रवि ने प्ले किया हुआ है कामना के रोल में तमन्ना भाटिया देखने को मिलेगी ब्लास्ट मोहन का रोल सुनील ने प्ले किया हुआ है विमल के रोल में योगी बाबू देखने को मिलेंगे श्वेता पांडेन जो अर्जुन की वाइफ का रोल है वो मीना मेनन ने प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में ऋत्विक पांडेन यानी कि ऋतु का जो रोल है जो मथुवेल का ने वो रोल, ने ऋत्विक ही प्ले किया हुआ है वहीं पे धनराज का रोल है वो हर्षद ने प्ले किया हुआ है दोखीनाथ का रोल जफर सादिक ने प्ले किया हुआ था पानीर का रोल रो、रोल है वो जी, मारे मुथु ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर एस धंदापानी का रोल है वी गणेश ने प्ले किया हुआ है दिव्यानाथन का रोल है वो रेडिन किंग्सले ने प्ले किया हुआ था बगुनारा बालू का रोल सुनील रेड्डी ने प्ले किया हुआ था सीनू का रोल सर्वानंद ने प्ले किया हुआ था इंस्पेक्टर जी कंगा लक्ष्मी -okay, का जो रोल था वो थांगी निशा ने प्ले किया हुआ है पुलिस कांस्टेबल के रोल में महानंदी शंकर का देखने को मिलेंगे राजा राव का रोल है वो पद्म कुमार ने प्ले किया हुआ था संजू का रोल कराटे कार्तिक को दिया गया था नसीमा के हेंचमैन के रोल में सुंगुनाथन देखने को मिलेंगे वहीं पर पंजू का जो रोल था वो बिल्ली मुरली ने प्ले किया हुआ था सिनू के मेजर का रोल है वो पावेल मनी ने प्ले किया हुआ था वर्मन के हेंचमैन का रोल है वो सूरज पॉप्स ने प्ले किया हुआ था वर्मन के दूसरे हेंचमैन का रोल है वो डांसर रमेश ने प्ले किया हुआ था करीम गैंगस्टर मेंबर का जो रोल था वो हजी मोहम्मद ने प्ले किया हुआ था जाफार के रोल में किशोर देखने को मिलते हैं सिकंदर सिंह का रोल है वो मकरंदेश पांडे ने प्ले किया हुआ है सी ऑफिसर का जो अनक्रेडिटेड रोल था वो उदय बानो महेश्वरन ने प्ले किया हुआ है कुछ कैम्यो अपीरियस भी देखने को मिलेंगे बड़े बड़े केम्यो अपरियस जिसमें मोहन लाल ने मैथ्यू के रोल में कम्यूअपीरेंस दिया हुआ है नरिम्मा के रोल में शिवराज कुमार ने कम्यूअपियस दिया हुआ है कामदेव के रोल में जेकि गौरव आपको केमे अपीरेंस देते हुए नजर आएंगे नागा बाबू मुथुवेल के फॉर्मर कलिक के रोल में एक केमे अपीरेंस दिए हुए थे वहीं पे कावा ला करके जो गाना है उसमें जाने ने केमे अपीरेंस दिया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थे जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो थुल पांडियन ए के मुथु यानी कि रजनीकांत वो एक रिटायर्ड जेलर है जहाँ पे वो अपनी सिंपल लाइफ अपनी फैमिली के साथ जीते हुए नजर आते हैं उनके बेटे यानी कि अर्जुन जिसका रोल वसंत रवि प्ले कर रहे है वो एक सीसियर पुलिस ऑफिसर है जहाँ पे उनकी एक टसल है वो एक वर्मान नाम के एक कैंटागोनी से हो जाती है एक स्मगलर से हो जाती है जिसका रोल विनायकन प्ले करते हैं वो एंटिक पीस का स्मगलर करते हुए नजर आते हैं किसी एक दिन अर्जुन अचानक से मिस हो जाता है उसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट में एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है बाद में मुथुवेल पांडियन को जब इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है उसके बाद में उनको ये भी पता लगता है उनके बेटे को मार दिया गया है तो अब इसके पीछे कौन है क्यों मारा हुआ है उसको क्यों खत्म किया हुआ है वो सभी चीजें फिल्म में आगे जाके दिखाई जाती है उसके बाद में मुथुवेल पांडेन जब इन सभी चीज़ों को दे ढूंढने निकलता है जब वो अपने इस रास्ते पे निकलता है तब उसको कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट पता चलते हैं जहाँ पे उसका जो मोटो था वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है तो अब ये क्या है मुथुवेल पांडेन उन सभी चीज़ों को उन सरप्राइज़ को कैसे डील करेगा वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है सुपरस्टार रजनीकांत काफ़ी लंबे समय के बाद इस टाइप के सॉलिड रोल में देखने के मिलते हैं आपको जहाँ पर उनका कैरेक्टराइजेशन काफ़ी बढ़िया तरीके से दिलीप कुमार ने किया हुआ हुआ है रजनीकांत ने एक अंडर प्ले वाला जो फर्स्ट हाफ में काम किया हुआ था वो काफी बढ़िया नजर आता है जिस तरह के उनका एक फोर्स में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है वो भी काफी बढ़िया था इसके अलावा जिस तरह सेंटर ब्लॉक क्रिएट किया हुआ था वो भी काफी टेरिफिक नजर आता है रजनीकांत की कॉमेडी टाइमिंग आपको जरूर पसंद आएगी जो सीन के उनके योगी बाबू के साथ थे वो एक बढ़िया फन क्रिएट करते नजर आते एक डार्क कॉमेडी है वो फिल्म में वो काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है इसके अलावा इसमें अनिरुद्ध इस फिल्म के सेकंड पिलर कह सकते हैं जहाँ पे रजनीकांत के बाद अनिरुद्ध का बैकग्राउंड स्कोर ही फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से लिफ्ट करने में मदद करता है सुपरस्टार के जितने भी जो सीन्स थे थंपिंग बैकग्राउंड स्कोर की वजह से वो सभी चीज़ें बेहतर हो जाती है एक एवरेज चीज़ को वो एक अच्छी तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी बनाने में मदद करते हैं हुकुम गाने का भी काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ किया हुआ है जिस तरह से उसको इंटरवल में यूज़ किया था वो भी बढ़िया था ओवरऑल इस फिल्म में जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर का यूज़ किया हुआ है वो अच्छा नज़र

ह्यूमर था जिस तरह से चीजों को दिखाया हुआ था फर्स्ट हाफ में वो काफी था लेकिन उसके बाद में जिस तरह से कुछ चीजों को खींचा हुआ था वो फिल्म को बोर करता हुआ नजर आता है इमोशनल सीन्स बेहतर वे में पेश किया जा सकते थे फिल्म में कुछ बेहतरीन ट्विस्ट भी डाले जा सकते थे फिल्म काफी लंबी थी उसको चॉप ऑफ किया जा सकता था लेकिन अनिरुद्ध का जो फैंटास्टिक बैकग्राउंड स्कोर था उसकी मदद से फिल्म काफी बढ़िया तरीके से कुछ सीन्स को एलिवेट करने में आगे बढ़ती है जिसके चलते सभी चीज़ें देखने में मज़ा आता है सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी सॉलिड नजर आती है एडिटिंग थी वो फिल्म की थोड़ी बेहतर की जा सकती थी खास करके सेकंड आप में डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार ने वैसे देखा जाए तो एक डिसिन काम किया हुआ है रजनीकांत के किरदार को जिस तरह से लिखा हुआ था जिस तरह से उनको स्क्रीन प्ले में दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी यहाँ फिल्म लंबी थी सेकंड आप में थोड़ी लेट डाउन कर देती है वहाँ पर चीज़ें बेहतर होती फिल्म और बेहतर होती लेकिन और देखा जाए तो एक, एक रजनीकांत की अनिरुद्ध का पेन पे इंडिया लेवल पे दस अगस्त दो को रिलीज किया गया था करीबन दो सौ करोड़ का बजट था जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते फिल्म ने बाईस वोट हासिल किए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से बाद में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कई सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए जहाँ पे 200-250 करोड़ के बजट के सामने जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तो अच्छे बस के साथ फिल्म रिलीज हुई थी जिसके चलते पहले दिन फिल्म ने बहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर जहाँ पे सिर्फ इंडिया से ही बावन करोड़ का कलेक्शन निकल के आया हुआ था वहीं पर तमिलनाडु से तेईस करोड़ का कलेक्शन था पहले दिन केरला से पाँच करोड़ पिचासी लाख का तेलुगु स्टेट से यानी कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से दस करोड़ का कलेक्शन था कर्नाटक से ग्यारह करोड़ का और नॉर्थ इंडिया से साढ़े करोड़ का कलेक्शन हुआ था इंटरनेशनल मार्केट से 40 करोड़ का कलेक्शन किया था जिसके चलते पहले दिन इस फिल्म ने बहत्तर करोड़ का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड लेवल पर दर्ज किया उसके बाद में इक्कीस अगस्त दो तक जेलर फिल्म ने तमिलनाडु से एक करोड़ तक का कलेक्शन किया हुआ था आंध्र प्रदेश तेलंगाना से पिछहतर करोड़ का और कर्नाटक से साठ करोड़ तक का कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे ओवरसीज के मार्केट में इस फिल्म ने इक्कीस अगस्त दो तक करीबन एक करोड़ इकतीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने काफी बेहतरीन तरीके से एक बिजनेस दिखाया जिसके चलते दो सौ करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने 600 सौ से साढ़े छः सौ का करोड़ का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर करके दिखाया तो ये एक अच्छा कलेक्शन हुआ और जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी इस फिल्म के ओ राइट्स राइट से वो अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम हिंदी सभी वर्जन के लिए तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर जेलर नाम के साथ हिंदी तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में विथ इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन देख सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जेलर फिल्म का ओटीटी वर्जन अगर आपको अभी ऑफिशियली देखना है तो वो आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से जेलर फिल्म को आप ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलगू तमिल कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे जेलर जो दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको तेलुगू कन्नड़ा मलयालम हिंदी इन सभी वर्जन में डब करके साथ ही में रिलीज किया गया था जिसका मेन लैंग्वेज तमिल था फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ नेल्सन दिलीप कुमार ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें नेल्सन दिलीप कुमार ने ही की हुई जिनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बातचीत करें तो कोलम्बो कोकिला जिसमें नयन तारा लीड रोल में थी उस फिल्म से उन्होंने अपने राइटर डायरेक्टर की शुरुआत की हुई थी वो दो में उस फिल्म ने एक अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाया था और बॉक्स ऑफिस पर वो एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी लेटर ऑन उसके बाद उन्होंने 2021 में डायरेक्ट फिल्म बनाई जिसका नाम था डॉक्टर जिसको भी उन्होंने ही लिखा डायरेक्ट किया तो जिसमें शिव कार्तिके और प्रियंका मोहन लीड रोल में थे और उस फिल्म ने भी सौ करोड़ के पार का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी खासी हिट फिल्म साबित हुई उसके बाद में 2022 में उन्होंने बेस्ट फिल्म बनाई जिसको लिखा और डिरेक्ट उन्होंने ही था लेकिन वो फिल्म उस तरह का कमल नहीं कर पाई जो उनकी पहली दो फिल्म कर पाए थे उसके बाद में उन्होंने ये जेलर फिल्म बनाई जहाँ पे जेलर फिल्म के साथ उन्होंने फिर से कम करके दिखाया इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो कालनीति मारन जो सन पिक्चर्स के ओनर

के, के साथ देखने को मिलेगी जहां पे जब इस फिल्म को म्यूजिक डिपार्टमेंट में अनिरुद्ध रविचंद्र का, का काम देखने को मिलेगा जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए जहां पे इन गानों को दो हजार में रिकॉर्ड किया गया था सन पिक्चर्स के द्वारा इसके राइट्स अपने पास ही रखे गए थे अट्ठारह मिनट चौबीस सेकंड का साउंड ट्रैक था जिसको 28 जुलाई इसका ऑफिशियली रिलीज़ करवाया हुआ था अनिरुद्ध रविचंदन ने फिल्म के लिए बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म का पहला गाना था कावाला उसको अनिरुद्ध रविचंद सॉरी अनुराजा कामराज ने लिखा हुआ था शिल्पा राव ने गाया हुआ था वहीं पे राथा मारे करके जो गाना था उसको विघ्नेश तिवान ने लिखा हुआ था विशाल मिश्रा ने गाया हुआ था हुकुम थलाई और अलपपरा करके जो गाना था उसको सुपर सुबह ने लिखा हुआ था अनिरुद्ध रविचंद्र रजनीकांत ने गाया हुआ था जुजुबी ने इस इस गाने को सुपर सुबु ने लिखा हुआ था धी अनंता कृष्णा और अनिरुद्ध रविचंद्र ने गाया हुआ था इसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंटल थीम सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जैसे कि जेलर का एक थीम सेट किया हुआ था मुथुवेल पांडेन का थीम था जेलर का ड्रिल थीम था वहीं पर अलपारा का थीम था तो ये टोटल चार थीम भी थे तो इसके साथ टोटल आठ ट्रैक हुए थे जिसकी लेंथ थी अट्ठारह मिनट चौबीस सेकंड जिसको ऑफिशियली सन पिक्चर्स के द्वारा मल्टीपल लैंग्वेज में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स के ऊपर रिलीज करवाया हुआ था तो फिलहाल में सभी गाने वहां पर आप ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की प्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं तो फिल्म के प्रोडक्शन की, की डेवलपमेंट दो में की गई थी जहाँ पे रिपोर्टली पता चला था कि रजनी खान के साथ एक फिल्म नेल्सन दिलीप कुमार करने वाले जहाँ पे बिस्ट फिल्म के बाद वो इस के ऊपर काम करेंगे दस फरवरी दो को सन पिक्चर्स ने इस फिल्म को अनाउंस किया ऑफिशियल अनाउंस किया और जहाँ पे इस फिल्म को टेंटेटिव टाइटल थलाईवर वन सिक्स नाइन दिया हुआ था फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था जेलर उसको सत्रह जून दो हज़ार बाईस को अनाउंस किया

सिनेमा में डेब्यू था बाद में वसंत रवि को कास्ट किया गया रजनीकांत के बेटे के रोल के लिए मम्मी को विनायकर ने जो रोल प्ले किया हुआ है वो ओरिजिनली ऑफर किया गया था मम्मी को विलन का रोल लेकिन वो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट के चलते वो चीज़ें सही नहीं बैठ पाई उसके बाद में जो सुनील तमन्ना भाटिया उनके भी एक एक केमी अपियरेंस होने वाले उन सभी चीज़ों के ऊपर भी अनाउंस हुई थी अनाउंसमेंट हुई थी मोहन लाल जेकी सरोप इन सभी को भी इस फिल्म के लिए कास्ट किया हुआ था तो इस तरह से ये सभी चीज़ें देखने को मिली जहाँ पे जेकी सोप और रजनीकांत करीबन छत्तीस सालों के बाद इस फिल्म में काम करते एक साथ नज़र आए थे उत्तर दक्षिण फिल्म उन्होंने बनाई हुई थी साथ में हिंदी लैंग्वेज में उसके बाद इस फिल्म में उन्होंने काम किया हुआ है अब बात करें इस फिल्म की आ, फिल्मिंग के ऊपर तो टेस्ट लूग शूट था जो वो जुलाई 2022 में चेन्नई में सेट किया हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो तीन अगस्त 2022 से हैदराबाद में स्टार्ट की हुई थी लेकिन कुछ चीज़ों के चलते फिल्म डिले हुई थी शूटिंग में तो जिसके चलते फिल्म को बाद में लेट शूट किया गया था जहाँ पे 22 अगस्त को चेन्नई में एक शूटिंग सेट की गई थी अक्टूबर महीने में, में इस फिल्म को कड्डलोर में शूट किया हुआ था जनवरी दो में कुछ चीज़ें बाकी थी जिसको जैसलमेर में भी शूट किया हुआ था राजस्थान स्थान में उसके बाद में उसी महीने में इस फिल्म को मैंगलोर में भी कुछ सीन्स के लिए शूट किया हुआ था जहाँ पे शिवराज कुमार के साथ कुछ सीन्स फिल्माए गए थे मार्च में क्लाइमेक्स में एक क्लाइमेक्स सीन सेट किया हुआ था शूट के लिए जिसको अथरपल्ली फॉल्स और चलकुत्ती जो केरला में वहाँ पर शूट किया हुआ था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो एक जून दो हज़ार बाईस को रेपअप करवाई हुई थी तो ये फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग तर, इस तरह से की गई थी जहाँ पे बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर भी काम किया हुआ था फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल तो रजनीकांत प्ले करे जो हाँ जेलर यानी कि टाइगर मुथुवेल पांडेन का किरदार प्ले कर रहे वर्मन का रोल विनायकन ने प्ले किया हुआ है विजया विजी पांडेन का जो रोल है मथुवेल की वाइफ का और रम्या कृष्णा ने प्ले किया हुआ है एसीपी अर्जुन पांडेन जो मथुवेल और विजी का बेटा है वो रोल वसंत रवि ने प्ले किया हुआ है कामना के रोल में तमन्ना दिपाटिया देखने को मिलेगी ब्लास्ट मोहन का रोल सुनील ने प्ले किया हुआ है विमल के रोल में योगी बाबू देखने को मिलेंगे श्वेता पांडेन जो अर्जुन की वाइफ का रोल है वो मीणा मेनन ने प्ले किया हुआ है वहीं पर इस फिल्म में ऋत्विक पांडेन यानी कि ऋतु का जो रोल है जो मुथुवेल का सर ने वो रोल ऋतविक ने ही प्ले किया हुआ है वहीं पे धनराज का रोल है वो हर्षद ने प्ले किया हुआ है दोकी का रोल जफर सादिक ने प्ले किया हुआ था पानीर का रोल रोल है वो जी मारे रोलमुथु ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर एस धंदापानी का रोल है वी टी गणेश ने प्ले किया हुआ है दिव्यानाथन का रोल है वो रेडियन किंग्सले ने प्ले किया हुआ था बगुनारा बालू का रोल सुनील रेड्डी ने प्ले किया हुआ था सीनू का रोल सर्वानंद ने प्ले किया हुआ था इंस्पेक्टर जी कंगा लक्ष्मी का जो रोल था वो थांगी निशा ने प्ले किया हुआ है पुलिस कांस्टेबल के रोल में महानंदी सिंह का देखने को मिलेंगे राजा राव का रोल है वो पदम कुमार ने प्ले किया हुआ था संजू का रोल कराटे कार्तिक को दिया गया था नरसीम्हा के हैंचमैन के रोल में सुंगुनाथन देखने को मिलेंगे वहीं पे पंजू का जो रोल था वो बिल्ली मुरली ने प्ले किया हुआ था सीनू के मेजर का रोल है वो पावेल मनी ने प्ले किया हुआ था वर्मन के हैंचमैन का रोल है वो सूरज पॉप्स ने प्ले किया हुआ था वर्मन के दूसरे हेंचमैन का रोल है वो डांसर रमेश ने प्ले किया हुआ था करीम गैंगस्टर मेंबर का जो रोल था वो हाजी मोहम्मद ने प्ले किया हुआ था जाफार के रोल में किशोर देखने को मिलते हैं सिकंदर सिंह का रोल है मकरंद देश पांडे ने प्ले किया हुआ है सीबीआई ऑफिसर का जो अनक्रेडिटेड रोल था वो उदय भानो महेश्वर ने प्ले किया हुआ है कुछ कम्यो अपीरियंस भी देखने को मिलेंगे बड़े बड़े कैम्यो अपरियंस जिसमें मोहन लाल ने मैथ्यू के रोल में कम्यूअ अपीरियंस दिया हुआ है नरसिम्हा के रोल में शिवराज कुमार ने कैम्यपियंस दिया हुआ है कामदेव के रोल में जेकि सरव आपको कैम्यूअ अपीरेंस देते हुए नजर आएंगे नागा बाबू मुथुवे के फॉर्मर कलिक के रोल में एक कैम्यो अपेरेंस दिए हुए थे वहीं पर कावा ला करके जो गाना है उसमें जाने ने कैम्यपिर दिया हुआ है तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थे जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो मथुवेल पांडेन एक मुथु के मुथु यानी कि रजनीकांत वो एक रिटायर्ड जेलर है जहाँ पे वो अपनी सिंपल लाइफ अपनी फैमिली के साथ जीते हुए नजर आते हैं उनके बेटे यानी कि अर्जुन जिसका रोल वसंत रवि प्ले कर रहे हैं वो एक सीसियर पुलिस ऑफिसर है जहाँ पे उनकी एक टसल है वो एक वर्मान नाम के एक, एक एंटागोनी से हो जाती है एक स्मगलर से हो जाते जिसका रोल विनायकन प्ले करते हैं वो एंटिक पीस का स्मगलर करते हुए नज़र आते हैं किसी एक दिन अर्जुन अचानक से मिस हो जाता है उसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट में एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है बाद में मथुवेल पांडियन को जब इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है उसके बाद में उनको ये भी पता लगता है कि उनके बेटे को मार दिया गया है तो इसके पीछे कौन है क्यों मारा हुआ है उसको क्यों खत्म किया हुआ है वो सभी चीजें फिल्म में आगे जाके दिखाई जाती है उसके बाद में मोथुवेल पांडेन जब इन सभी चीज़ों को दे ढूंढने निकलता है जब वो अपने इस रास्ते पे निकलता है तब उसको कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट पता चलते हैं जहाँ पर उसका जो मोटो था वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है तो अब ये क्या है मोथुवेल पांडेन उन सभी चीज़ों को उन सरप्राइज़ को कैसे डील करेगा वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है सुपरस्टार रजनीकांत काफ़ी लंबे समय के बाद इस टाइप के सॉलिड रोल में देखने के मिलते हैं आपको जहाँ पर उनका कैरेक्टराइजेशन काफ़ी बढ़िया तरीके से संदीप कुमार ने किया हुआ

इसके अलावा इसमें अनिरुद्ध इस फिल्म के सेकंड पिलर कह सकते हैं जहाँ पे रजनीकांत के बाद अनिरुद्ध का बैकग्राउंड स्कोर ही फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से लिफ्ट करने में मदद करता है सुपरस्टार के जितने भी जो सीन्स थे थंपिंग बैकग्राउंड स्कोर की वजह से वो सभी चीज़ें बेहतर हो जाती है एक एवरेज चीज़ को वो एक अच्छी तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी बनाने में मदद करते हैं हुकुम गाने का भी काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ किया हुआ है जिस तरह से उसको इंटरवल में यूज़ किया था वो भी बढ़िया था ओवरऑल इस फिल्म में जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर का यूज़ किया हुआ है वो अच्छा नज़र आएगा फिल्म को एक अच्छा सपोर्ट देता हुआ नजर आता है रम्या कृष्णन मीना मेनन विनायक रवि परफॉर्म करते हुए नजर आते जिस तरह से किया हुआ था वो फिल्म की स्टोरी लाइन को थोड़ा हुआ नजर आता है उनके किरदार को मजबूत किया जा सकता था या तो उनके किरदार को हटा दिया जा सकता था इस फिल्म का जो प्लॉट है वो आपको उतना कुछ बड़ा नजर नहीं आएगा सेकंड हाफ में चीजें खींची हुई नजर आती है हाँ कुछ ह्यूमर था जिस तरह से चीजों को दिखाया हुआ था फर्स्ट हाफ में वो काफी था लेकिन उसके बाद में जिस तरह से कुछ चीजों को खींचा हुआ था वो फिल्म को बोर करता हुआ नजर आता है इमोशनल सीन्स बेहतर कुछ बेहतरीन ट्विस्ट भी डाले जा सकते थे फिल्म काफी लंबी थी उसको चॉप अप किया जा सकता था लेकिन अनिरुद्ध का जो फेंटास्टिक बैकग्राउंड स्कोर था उसकी मदद से फिल्म काफी बढ़िया तरीके से कुछ सीन्स को एलिवेट करने में आगे बढ़ती है जिसके चलते ये सभी चीज़ें देखने में मज़ा आता है सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी सॉलिड नज़र आती है एडिटिंग थी वो फिल्म की थोड़ी बेहतर की जा सकती थी खास करके सेकंड आप में डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार ने वैसे देखा जाए तो एक डिसन काम किया हुआ है रजनीकांत के किरदार को जिस तरह से लिखा हुआ था जिस तरह से उनको स्क्रीन प्ले में दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी यहाँ फिल्म लंबी थी सेकंड आप में थोड़ी लेट डाउन कर देती है वहाँ पर चीज़ें बेहतर तो फिल्म और बेहतर होती लेकिन और देखा जाए तो एक, एक रजनीकांत की अनिरुद्ध का बैकग्राउंड को आसानी से बचा ले जाता है दस अगस्त दो हजार तेईस को रिलीज किया गया था करीबन दो सौ करोड़ का बजट था जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम पे इस फिल्म ने बाईस वोट हासिल किए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से बाद में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कई सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए जहाँ पे 200-250 करोड़ के बजट के सामने जब फिल्म को रिलीज किया गया तो अच्छे बस के साथ फिल्म रिलीज हुई थी जिसके चलते पहले दिन फिल्म ने बहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर जहाँ पे सिर्फ इंडिया से ही बावन करोड़ का कलेक्शन निकल के आया हुआ था वहीं पर तमिलनाडु से तेईस करोड़ का कलेक्शन था पहले दिन केरला से पाँच करोड़ पिचासी लाख का तेलुगु स्टेट से यानी कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से दस करोड़ का कलेक्शन था कर्नाटक से ग्यारह करोड़ का और नॉर्थ इंडिया से साढ़े करोड़ का कलेक्शन हुआ था इंटरनेशनल मार्क ट से 40 करोड़ का कलेक्शन किया था जिसके चलते पहले दिन इस फिल्म ने बहत्तर करोड़ का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड लेवल पे दर्ज किया उसके बाद अगस्त दो हजार तेईस तक जेलर फिल्म ने तमिलनाडु से एक करोड़ तक का कलेक्शन किया हुआ था आंध्र प्रदेश तेलंगाना से पिछहत्तर करोड़ का और कर्नाटक से साठ करोड़ तक का कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे ओवरसीज के मार्केट में इस फिल्म ने इक्कीस अगस्त दो तक करीबन एक करोड़ इकतीस लाख का, का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने काफी बेहतरीन तरीके से एक बिजनेस दिखाया जिसके चलते दो सौ करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने सौ

एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जेलर फिल्म का ओ वर्जन अगर आपको अभी ऑफिशियली देखना है तो वो आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से जेलर फिल्म का आप ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे जेलर जो दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको तेलुगू कन्नड़ा मलयालम हिंदी इन सभी वर्जन में डब करके साथ ही में रिलीज किया गया था जिसका मेन लैंग्वेज तमिल था फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ नेल्सन दिलीप कुमार ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीजें नेल्सन दिलीप कुमार ने ही की हुई जिनकी फ़िल्मोग्राफी के बारे में बातचीत करें तो कोलम्बो कोकिला जिसमें नयन तारा लीड रोल में थी उस फिल्म से उन्होंने अपने राइटर डायरेक्टर की शुरुआत की हुई थी और 2018 में उस फिल्म ने एक अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाया था और बॉक्स ऑफिस पे वो एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी लेटर ऑन उसके बाद उन्होंने दो में डायरेक्ट फिल्म बनाई जिसका नाम था डॉक्टर जिसको भी उन्होंने ही लिखा डिरेक्ट किया तो जिसमें शिव कार्तिके और प्रियंका मोहन लीड रोल में थे और उस फिल्म ने भी सौ करोड़ के पार का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी खासी हिट फिल्म साबित हुई उसके बाद में 2022 में उन्होंने बेस्ट फिल्म बनाई जिसको लिखा और डायरेक्ट उन्होंने ही था लेकिन वो फिल्म उस तरह का कमल नहीं कर पाई जो उनकी पहली दो फिल्म कर पाई थी उसके बाद में उन्होंने ये जेलर फिल्म बनाई जहाँ पे जेलर फिल्म के साथ उन्होंने फिर से कम करके दिखाया इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो कालनीति मारन जो सन पिक्चर्स के ओनर है उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इसको प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट दोनों किया हुआ है वहीं पर म्यूजिक के राइट्स भी उन्होंने अपने ही पास रखे हुए लीड रोल में सुपरस्टार रदनीकांत है विनायकन रम्या कृष्णन वसंत रवि जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट काफी लंबी है और कुछ बड़े बड़े कैमियो कैमरेन्स भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं फिल्म के टेक्निकल टीम में जो विजय कार्तिक कन्न है वो सिनेमाटोग्राफी करते हुए नजर आएंगे आर निर्मल ने एडिटिंग की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे और अड़तालीस मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी जहां पर जब इस फिल्म को ऑफिशियली ओ पे प्रीमियर करवाया गया वहां पर एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे चवालीस मिनट का

का सॉरी अनुराजा कामराज ने लिखा हुआ था राव ने गाया हुआ था वहीं पे राथा करके जो गाना था उसको विघ्नेश लिखा हुआ था विशाल मिश्रा ने गाया हुआ था हुकुम थे और अलपपरा करके जो गाना था उसको सुपर सुबह ने लिखा हुआ था अनिरुद्ध रविचंदन रजनीकांत ने गाया हुआ था जुजुबी ने इस इस गाने को सुपर सुबह ने लिखा हुआ था धी अनंता कृष्णा और अनिरुद्ध रविचंदन ने गाया हुआ था इसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंटल थीम सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जैसे कि जेलर का एक थीम सेट किया हुआ था मोथुवेल पांडेन का थीम था जेलर का ड्रिल थीम था वहीं पर अलपारा का थीम था तो ये टोटल चार थीम भी थे तो इसके साथ टोटल आठ ट्रैक हुए थे जिसकी लेंथ थी अट्ठारह मिनट चौबीस सेकंड जिसको ऑफिशियली सन पिक्चर्स के मल्टीपल लैंग्वेज में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स के ऊपर रिलीज करवाया हुआ था तो फिलहाल में सभी गाने वहां पे आप ऑफिशियल फॉर्मेट में सुन सकते हो अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की प्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं तो फिल्म के प्रोडक्शन के डेवलपमेंट 2021 में की गई थी जहाँ पे रिपोर्टली पता चला था कि रजनी खान के साथ एक सौ फिल्म नेल्सन दिल दिलीप कुमार करने वाले जहाँ पे बिस्ट फिल्म के अफसा बाद वो इस के ऊपर काम करेंगे दस फरवरी दो को सन पिक्चर्स ने इस फिल्म को अनाउंस किया ऑफिशियली अनाउंस किया और जहाँ पे इस फिल्म को टेंटेटिव टाइटल थलाईवर वन सिक्स दिया हुआ था फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था जेलर उसको सत्रह जून दो को अनाउंस

सिनेमा में डेब्यू था बाद में वसंत रवि को कास्ट किया गया चिरा रजनीकांत के बेटे के रोल के लिए ममूटी को विनायकन ने जो रोल प्ले किया हुआ है वो ओरिजिनली ऑफर किया गया था ममूटी को विलन का रोल लेकिन वो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट के चलते वो चीजें सही नहीं बैठ पाई उसके बाद में जो सुनील तमन्ना भाटिया उनके भी एक एक केमी अपियरेंस होने वाले उन सभी चीज़ों के ऊपर भी अनाउंस हुई थी अनाउंसमेंट हुई थी मोहन लाल जेकी सरोप इन सभी को भी इस फिल्म के लिए कास्ट किया हुआ था तो इस तरह से ये सभी चीज़ें देखने को मिली जहाँ पे जेके की और रजनीकांत करीबन छत्तीस सालों के बाद इस फिल्म में काम करते एक साथ नज़र आए थे उत्तर दक्षिण फिल्म उन्होंने बनाई हुई थी साथ में हिंदी लैंग्वेज में उसके बाद इस फिल्म में उन्होंने काम किया हुआ है अब बात करें इस फिल्म की फिल्मिंग के ऊपर तो टेस्ट लोग शूट था जो वो जुलाई 2022 में चेन्नई में सेट किया हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो तीन अगस्त 2022 से हैदराबाद में स्टार्ट की हुई थी लेकिन कुछ चीज़ों के चलते फिल्म डिले हुई थी शूटिंग में तो जिसके चलते फिल्म को बाद में लेट शूट किया गया था जहाँ पे बाईस अगस्त को चेन्नई में एक शूटिंग सेट की गई थी अक्टूबर महीने में, में इस फिल्म को कड्डलोर में शूट किया हुआ था जनवरी दो में कुछ चीज़ें बाकी थी जिसको जैसलमेर में भी शूट किया हुआ था राजस्थान में उसके बाद में उसी महीने में इस फिल्म को मैंगलोर में भी कुछ सीन्स के लिए शूट किया हुआ था जहाँ पे शिवराज कुमार के साथ कुछ सीन्स फिल्माए गए थे मार्च में क्लाइमेक्स में एक क्लाइमेक्स सीन सेट किया हुआ था शूट के लिए जिसको अथरपल्ली फॉल्स और चलकुत्ती जो केरला में वहाँ पे शूट किया हुआ था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो एक जून दो बाईस को बाईस अप करवाई हुई थी तो ये फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग इस तरह से की गई थी जहाँ पे बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर भी काम किया हुआ था फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल तो विजय रजनीकांत प्ले करे जो हाँ जेलर यानी कि टाइगर मथुवेल पांडेन का किरदार प्ले कर रहे वर्मन का रोल विनायकन ने प्ले किया हुआ है विजय विजी पांडेन का जो रोल है मथुवेल की वाइफ का और वम्या कृष्णा ने प्ले किया हुआ है एसीपी अर्जुन पांडेन जो मथुवेल और विजी का बेटा है वो रोल वसंत रवि ने प्ले किया हुआ है कामना के रोल में तमन्ना भाटिया देखने को मिलेगी ब्लास्ट मोहन का रोल सुनील ने प्ले किया हुआ है विमल के रोल में योगी बाबू देखने को मिलेंगे श्वेता पांडेन जो अर्जुन की वाइफ का रोल है वो मीना मेनन ने प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में ऋत्विक पांडेन यानी कि ऋतु का जो रोल है जो मथुवेल का ने ने ऋत्विक ही प्ले किया हुआ है वहीं पे धनराज का रोल है वो हर्षद ने, ने प्ले किया हुआ है दोखीनाथ का रोल जफर सादिक ने प्ले किया हुआ था का रोल रोल है वो जी मारे मुथु ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर एस धंदापानी का रोल है वी गणेश ने प्ले किया हुआ है दिव्यानाथन का रोल है वो रेडिन किंग्सले ने प्ले किया हुआ था बगुनारा बालू का रोल सुनील रेड्डी ने प्ले किया हुआ था सीनू का रोल सर्वानंद ने प्ले किया हुआ था इंस्पेक्टर जी कंगा earth... लक्ष्मी का जो रोल था वो अर्न थांगी निशा था ने प्ले किया हुआ है पुलिस कांस्टेबल के रोल में महानंदी शंकर देखने को मिलेंगे राजा राव का रोल है वो पद्म कुमार ने प्ले किया हुआ था संजू का रोल कराटे कार्तिक को दिया गया था नसीमा के हैंचमैन के रोल में सुंगुनाथन देखने को मिलेंगे वहीं पर पंजू का जो रोल था वो बिल्ली मुरली ने प्ले किया हुआ था सिनू के मेजर का रोल है वो पावेल मनी ने प्ले किया हुआ था वर्मन के हैंचमैन का रोल है वो सूरज पॉप्स ने प्ले किया हुआ था वर्मन के दूसरे हेंचमैन का रोल है वो डांसर रमेश ने प्ले किया हुआ था करीम गैंगस्टर मेंबर का जो रोल था वो हाजी मोहम्मद ने प्ले किया हुआ था जाफार के रोल में किशोर देखने को मिलते हैं सिकंदर सिंह का रोल है वो मकरंदेश पांडे ने प्ले किया हुआ है सी ऑफिसर का जो अनक्रेडिटेड रोल था वो उदय बानो महेश्वरन ने प्ले किया हुआ है कुछ कैम्यूपीरेंस भी देखने को मिलेंगे बड़े बड़े कैम्यो अपियर जिसमें मोहन लाल ने मैथ्यू के रोल में कैम्यूअपीरेंस दिया हुआ है नरसिमा के रोल में शिवराज कुमार ने कम्यू अपीरेंस दिया हुआ है कामदेव के रोल में जेकि सरव आपको कैम्यूअ अपीरियंस देते हुए नजर आएंगे नागा बाबू मुथुवेल के फॉर्मर कलिक के रोल में एक कैम्यो अपेरेंस दिए हुए थे वहीं पर कावा ला करके जो गाना है उसमें जाने ने कैम्यूअपियर दिया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो मुथुवेल पांडियन ए मुथु के मुथु यानी कि रजनीकांत वो एक रिटायर्ड जेलर है जहाँ पे वो अपनी सिंपल लाइफ अपनी फैमिली के साथ जीते हुए नजर आते हैं उनके बेटे यानी कि अर्जुन जिसका रोल वसंत रवि प्ले कर रहे हैं वो एक सीसियर पुलिस ऑफिसर है जहाँ पे उनकी एक टसल है वो एक वर्मान नाम के एक एंटागोनी से हो जाती है एक स्मगलर से हो जाती है जिसका रोल विनायकन प्ले करते हैं वो एंटिक पीस का स्मगलर कर, करते हुए नजर आते हैं किसी एक दिन अर्जुन अचानक से मिस हो जाता है उसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट में एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है बाद में मुथुवेल पांडियन को जब इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है उसके बाद में उनको ये भी पता लगता है उनके बेटे को मार दिया गया है तो अब इसके पीछे कौन है क्यों मारा हुआ है उसको क्यों खत्म किया हुआ है वो सभी चीजें फिल्म में आगे जाके दिखाई जाती है उसके बाद में मुथुवेल पांडेन जब इन सभी चीज़ों को दे ढूंढने निकलता है जब वो अपने इस रास्ते पे निकलता है तब उसको कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट पता चलते हैं जहाँ पे उसका जो मोटो था वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है तो अब ये क्या है मुथुवेल पांडेन उन सभी चीज़ों को उन सरप्राइज़ को कैसे डील करेगा वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है सुपरस्टार रजनीकांत काफ़ी लंबे समय के बाद इस टाइप के सॉलिड रोल में देखने के मिलते हैं आपको जहाँ पर उनका कैरेक्टराइजेशन काफ़ी बढ़िया तरीके से दिलीप कुमार ने किया हुआ हुआ है रजनीकांत ने एक अंडर प्ले वाला जो फर्स्ट हाफ में काम किया हुआ था वो काफी बढ़िया नजर आता है जिस तरह के उनका एक फोर्स में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है वो भी काफी बढ़िया था इसके अलावा जिस तरह सेंटर ब्लॉक क्रिएट किया हुआ था वो भी काफी टेरिफिक नजर आता है रजनीकांत की कॉमेडी टाइमिंग आपको जरूर पसंद आएगी जो सीन के उनके योगी बाबू के साथ थे वो एक बढ़िया फन क्रिएट करते नजर आते एक डार्क कॉमेडी है वो फिल्म में वो काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है इसके अलावा इसमें अनिरुद्ध इस फिल्म के सेकंड पिलर कह सकते हैं जहाँ पे रत्नीकांत के बाद अनिरुद्ध का बैकग्राउंड स्कोर ही फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से लिफ्ट करने में मदद करता है सुपरस्टार के जितने भी जो सीन्स थे थंपिंग बैकग्राउंड स्कोर की वजह से वो सभी चीज़ें बेहतर हो जाती है एक एवरेज चीज़ को वो एक अच्छी तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी बनाने में मदद करते हैं हुकुम गाने का भी काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ किया हुआ है जिस तरह से उसको इंटरवल में यूज़ किया था वो भी बढ़िया था ओवरऑल इस फिल्म में जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर का यूज़ किया हुआ है वो अच्छा नज़र

ह्यूमर था जिस तरह से चीजों को दिखाया हुआ था फर्स्ट हाफ में वो काफी एंगेजिंग था, लेकिन उसके बाद में जिस तरह से कुछ चीजों को खींचा हुआ था वो फिल्म को बोर करता हुआ नजर आता है इमोशनल सीन्स बेहतर वे में, पेस जा सकते थे, फिल्म में कुछ बेहतरीन ट्विस्ट भी डाले जा सकते थे फिल्म काफी लंबी थी उसको चॉप ऑफ किया जा सकता था लेकिन अनिरुद्ध का जो फैंटास्टिक बैकग्राउंड स्कोर था उसकी मदद से फिल्म काफी बढ़िया तरीके से कुछ सीन्स को एलिवेट करने में आगे बढ़ती है जिसके चलते सभी चीज़ें देखने में मज़ा आता है सिनेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी सॉलिड नजर आती है एडिटिंग थी वो फिल्म की थोड़ी बेहतर की जा सकती थी खास करके सेकंड आप में डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार ने वैसे देखा जाए तो एक डिसिन काम किया हुआ है रजनीकांत के किरदार को जिस तरह से लिखा हुआ था जिस तरह से उनको स्क्रीन प्ले में दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी यहाँ फिल्म लंबी थी सेकंड आप में थोड़ी लेट डाउन कर देती है वहाँ पर चीज़ें बेहतर होती फिल्म और बेहतर होती लेकिन और देखा जाए तो एक, एक रजनीकांत की अनिरुद्ध का पेन पे इंडिया लेवल पे दस अगस्त दो को रिलीज किया गया था करीबन दो सौ करोड़ का बजट था जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते फिल्म ने बाईस वोट हासिल किए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से बाद में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कई सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए जहाँ पे 200-250 करोड़ के बजट के सामने जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तो अच्छे बस के साथ फिल्म रिलीज हुई थी जिसके चलते पहले दिन फिल्म ने बहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर जहाँ पे सिर्फ इंडिया से ही बावन करोड़ का कलेक्शन निकल के आया हुआ था वहीं पर तमिलनाडु से तेईस करोड़ का कलेक्शन था पहले दिन केरला से पाँच करोड़ पिचासी लाख का तेलुगु स्टेट से यानी कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से दस करोड़ का कलेक्शन था कर्नाटक से ग्यारह करोड़ का और नॉर्थ इंडिया से साढ़े करोड़ का कलेक्शन हुआ था इंटरनेशनल मार्केट से 40 करोड़ का कलेक्शन किया था जिसके चलते पहले दिन इस फिल्म ने बहत्तर करोड़ का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड लेवल पर दर्ज किया उसके बाद में इक्कीस अगस्त दो तक जेलर फिल्म ने तमिलनाडु से एक करोड़ तक का कलेक्शन किया हुआ था आंध्र प्रदेश तेलंगाना से पिछहतर करोड़ का और कर्नाटक से साठ करोड़ तक का कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे ओवरसीज के मार्केट में इस फिल्म ने इक्कीस अगस्त दो तक करीबन एक करोड़ इकतीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने काफी बेहतरीन तरीके से एक बिजनेस दिखाया जिसके चलते दो सौ करोड़ के बजट के सामने फिल्म छह सौ से साढ़े छः सौ का करोड़ का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर करके दिखाया तो ये एक अच्छा कलेक्शन हुआ और जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी इस फिल्म के ओ टी राइट से वो अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम हिंदी सभी वर्जन के लिए तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर जेलर नाम के साथ हिंदी तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में विथ इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन देख सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जेलर फिल्म का ओ वर्जन अगर आपको अभी ऑफिशियली देखना है तो वो आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से जेलर फिल्म को आप ऑफिशियली ओ और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलगू तमिल कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे जेलर जो दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको तेलगु कन्नडा मलयालम हिंदी इन सभी वर्जन में डब करके साथ ही में रिलीज किया गया था जिसका मेन लैंग्वेज तमिल था फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ नेल्सन दिलीप कुमार ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीजें नेल्सन दिलीप कुमार ने ही की हुई जिनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बातचीत करें तो कोलम्बो कोकिला जिसमें नयन लीड रोल में थी उस फिल्म से उन्होंने अपने राइटर डिरेक्टर की शुरुआत की हुई थी वो दो में उस फिल्म ने एक अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाया था और बॉक्स ऑफिस पर वो एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी लेटर ऑन उसके बाद उन्होंने 2021 में डायरेक्ट फिल्म बनाई जिसका नाम था डॉक्टर जिसको वे उन्होंने ही लिखा डायरेक्ट किया तो जिसमें शिव कार्तिके और प्रियंका मोहन लीड रोल में थे और उस फिल्म ने भी सौ करोड़ के पार का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी खासी हिट फिल्म साबित हुई उसके बाद में 2022 में उन्होंने बेस्ट फिल्म बनाई जिसको लिखा और डायरेक्ट उन्होंने ही था लेकिन वो फिल्म उस तरह का कमल नहीं कर पाई जो उनकी पहली दो फिल्म कर पाए थे उसके बाद में उन्होंने ये जेलर फिल्म बनाई जहाँ पे जेलर फिल्म के साथ उन्होंने फिर से कम करके दिखाया इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो कालनीति मारन जो सन पिक्चर्स के ओन

के के साथ देखने को मिलेगी जहां पे जब इस फिल्म को, को म्यूजिक डिपार्टमेंट में अनिरुद्ध रविचंद्र का का काम देखने को मिलेगा जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं जहां पे इन गानों को दो हजार बाईस तेईस में रिकॉर्ड किया गया था सन पिक्चर्स के द्वारा इसके राइट्स अपने पास ही रखे गए थे अट्ठारह मिनट चौबीस सेकंड का साउंड ट्रैक था जिसको अट्ठाईस जुलाई दो जाते का ऑफिशियली रिलीज करवाया हुआ था अनिरुद्ध रविचंद्र ने फिल्म के लिए बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म का पहला गाना था कावाला उसको अनिरुद्ध रविचंद सॉरी अनुराजा कामराज ने लिखा हुआ था शिल्पा राव ने गाया हुआ था वहीं पे राथा मरे करके जो गाना था उसको विग्नेश सिवान ने लिखा हुआ था विशाल मिश्रा ने गाया हुआ था हुकुम थलाई और अलपपरा करके जो गाना था उसको सुपर सुबु ने लिखा हुआ था अनिरुद्ध रविचंद्र रजनीकांत ने गाया हुआ था जूजुबी ने इस इस गाने को सुपर सुब्बु ने लिखा हुआ था धी अनंता कृष्णा और अनिरुद्ध रविचंद्र ने गाया हुआ था इसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंटल थीम सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जैसे कि जेलर का एक थीम सेट किया हुआ था मूथुवेल पांडेन का थीम था जेलर का ड्रिल थीम था वहीं पर अलपारा का थीम था तो ये टोटल चार थीम भी थे तो इसके साथ टोटल आठ ट्रैक हुए थे जिसकी लेंथ थी अट्ठारह मिनट चौबीस सेकंड जिसको ऑफिशियली सन पिक्चर्स के द्वारा मल्टीपल लैंग्वेज में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स के ऊपर रिलीज करवाया हुआ था तो फिलहाल मैं सभी गाने वहां पर आप ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म के प्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं तो फिल्म के प्रोडक्शन के डेवलपमेंट 2021 में की गई थी जहाँ पे रिपोर्टली पता चला था कि रजनी खान के साथ एक सौ फिल्म नीलसन दिलीप कुमार करने वाले जहाँ पे बेस्ट फिल्म के बाद वो इस के ऊपर काम करेंगे दस फरवरी दो को सन पिक्चर्स ने इस फिल्म को अनाउंस किया ऑफिशियली अनाउंस किया और जहाँ पे इस फिल्म को टेंटेटिव टाइटल थलाईवर वन सिक्स दिया हुआ था फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था जेलर उसको सत्रह जून दो को अनाउंस किया

सिनेमा में डेब्यू था बाद में वसंत रवि को कास्ट किया गया चिरा रजनीकांत के बेटे के रोल के लिए मम्मी को विनायकन ने जो रोल प्ले किया हुआ है वो ओरिजिनली ऑफर किया गया था मम्मी को विलन का रोल लेकिन वो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट के चलते वो चीज़ें सही नहीं बैठ पाई उसके बाद में जो सुनील तमन्ना भाटिया उनके भी एक एक केमी अपियरेंस होने वाले उन सभी चीज़ों के ऊपर भी अनाउंस हुई थी अनाउंसमेंट हुई थी मोहन लाल जे की इन सभी को भी इस फिल्म के लिए कास्ट किया हुआ था तो इस तरह से ये सभी चीज़ें देखने को मिली जहाँ पे जेके शोप और रजनीकांत करीबन छत्तीस सालों के बाद इस फिल्म में काम करते एक साथ नज़र आए थे उत्तर दक्षिण फिल्म उन्होंने बनाई हुई थी साथ में हिंदी लैंग्वेज में उसके बाद इस फिल्म में उन्होंने काम किया हुआ है अब बात करें इस फिल्म की आ, फिल्मिंग के ऊपर तो टेस्ट लो शूट था जो वो जुलाई 2022 में चेन्नई में सेट किया हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो तीन अगस्त 2022 से हैदराबाद में स्टार्ट की हुई थी लेकिन कुछ चीज़ों के चलते फिल्म डिले हुई थी शूटिंग में तो जिसके चलते फिल्म को बाद में लेट शूट किया गया था जहां पे 22 अगस्त को चेन्नई में एक शूटिंग सेट की गई थी अक्टूबर महीने में, में इस फिल्म को कड्डलोर में शूट किया हुआ था जनवरी दो में कुछ चीज़ें बाकी थी जिसको जैसलमेर में भी शूट किया हुआ था राजस्थान थान में उसके बाद में उसी महीने में इस फिल्म को मैंगलोर में भी कुछ सीन्स के लिए शूट किया हुआ था जहाँ पे शिवराज कुमार के साथ कुछ सीन्स फिल्माए गए थे मार्च में क्लाइमेक्स में एक क्लाइमेक्स सीन सेट किया हुआ था शूट के लिए जिसको अथरपल्ली फॉल्स और चलकुत्ती जो केरला में वहाँ पर शूट किया हुआ था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो एक जून दो हज़ार बाईस को रेपअप करवाई हुई थी तो ये फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग इस तरह से की गई थी जहाँ पे बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर भी काम किया हुआ था फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल तो रजनीकांत प्ले करे जो हाँ जेलर यानी कि टाइगर मथुवेल पांडेन का किरदार प्ले कर रहे वर्मन का रोल विनायकन ने प्ले किया हुआ है विजया विजी पांडेयन का जो रोल है मुथुवेल की वाइफ का और रमिया कृष्णा ने प्ले किया हुआ है एसीपी अर्जुन पांडेन जो मथुवेल और विजी का बेटा है वो रोल वसंत रवि ने प्ले किया हुआ है कामना के रोल में तमन्नाथ पाटिया देखने को मिलेगी ब्लास्ट मोहन का रोल सुनील ने प्ले किया हुआ है विमल के रोल में योगी बाबू देखने को मिलेंगे श्वेता पांडेन जो अर्जुन की वाइफ का रोल है वो मीणा मेनन ने प्ले किया हुआ है वहीं पर इस फिल्म में ऋत्विक पांडेन यानी की ऋतु का जो रोल है जो मथुवेल का ने वो रोल ऋतविक ने ही प्ले किया हुआ है वहीं पे धनराज का रोल है वो हर्षद ने प्ले किया हुआ है दोखीनाथ का रोल जफर सादिक ने प्ले किया हुआ था पनीर का रोल है वो जी मारी मुथु ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर एस धंदापानी का रोल है वी टी गणेश ने प्ले किया हुआ है दिव्यानाथन का रोल है वो रेडिन किंग्सले ने प्ले किया हुआ था बगुनारा बालू का रोल सुनील रेड्डी ने प्ले किया हुआ था सीनू का रोल सर्वानंद ने प्ले किया हुआ था इंस्पेक्टर जी कंगा लक्ष्मी का जो रोल था वो अरन थांगी निशा ने प्ले किया हुआ है पुलिस कांस्टेबल के रोल में महानंदी सिंह का देखने को मिलेंगे राजा राव का रोल है वो पद्म कुमार ने प्ले किया हुआ था संजू का रोल कराटे कार्तिक को दिया गया था नसीमा के हेंचमेंट के रोल में सुंगुनाथन देखने को मिलेंगे वहीं पर पंजू का जो रोल था वो बिल्ली मुरली ने प्ले किया हुआ था सिनू के मेजर का रोल है वो पावेल मनी ने प्ले किया हुआ था वर्मन के हेंचमैन का रोल है वो सूरज पॉप्स ने प्ले किया हुआ था वर्मन के दूसरे हेंचमैन का रोल है वो डांसर रमेश ने प्ले किया हुआ था करीम गैंगस्टर मेंबर का जो रोल था वो हाजी मोहम्मद ने प्ले किया हुआ था जाफार के रोल में किशोर देखने को मिलते हैं सिकंदर सिंह का रोल है वो मकरंद देश पांडे ने प्ले किया हुआ है सी ऑफिसर का जो अनक्रेडिटेड रोल था वो उदय भानो महेश्वरन ने प्ले किया हुआ है कुछ कैमियो कम्योपियंस भी देखने को मिलेंगे बड़े बड़े कैमियो अपेरेंस जिसमें मोहन ने मैथ्यू के रोल में कैमियो अपीरेंस दिया हुआ है नरसिम्हा के रोल में शिवराज कुमार ने कैमियो कम्योपेरेंस दिया हुआ है कामदेव के रोल में जय आपको अपियस देते हुए नजर आएंगे नागा के कलिक के रोल में एक दिए हुए थे वहीं पे कावा ला करके जो गाना है उसमें जाने ने अपियस दिया हुआ है तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो मथुवल पांडेन के मथु यानी कि रजनीकांत वो एक रिटायर्ड जेलर है जहाँ पे वो अपनी सिंपल लाइफ अपनी फैमिली के साथ जीते हुए नजर आते हैं उनके बेटे यानी कि अर्जुन जिसका रोल वसंत रवि प्ले कर रहे हैं वो एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर है जहाँ पे उनकी एक टसल है वो एक वर्मान नाम के एक एंटागोनी से हो जाती है एक स्मगलर से हो जाती हैं जिसका रोल विनायकन प्ले करते है वो एंटिक पीस का स्मगलिंग कर, कर करते हुए नजर आते हैं किसी एक दिन अर्जुन अचानक से मिस हो जाता है उसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट में एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है बाद में मथुवेल पांडियन को जब इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है उसके बाद में उनको ये भी पता लगता है उनके बेटे को मार दिया गया है तो इसके पीछे कौन है क्यों मारा हुआ है उसको क्यों खत्म किया हुआ है वो सभी चीजें फिल्म में आगे जाके दिखाई जाती है उसके बाद में मुथुवेल पांडेन जब इन सभी चीज़ों को दे ढूंढने निकलता है जब वो अपने इस रास्ते पे निकलता है तब उसको कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट पता चलते हैं जहाँ पे उसका जो मोटो था वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है तो अब ये क्या है मुथुवेल पांडेन उन सभी चीज़ों को उन सरप्राइज़ को कैसे डील करेगा वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है सुपर रजनीकांत काफ़ी लंबे समय के बाद इस टाइप के सोलड रोल में देखने के मिलते हैं आपको जहाँ पर उनका कैरेक्टराइजेशन काफ़ी बढ़िया तरीके से दिलीप कुमार ने किया हुआ हुआ है रजनीकांत ने एक अंडर प्ले वाला जो फर्स्ट हाफ में काम किया हुआ था वो काफी बढ़िया नजर आता है जिस तरह के उनका एक मीनिसिंग फोर्स में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है वो भी काफी बढ़िया था इसके अलावा जिस तरह सेंटर ब्लॉक क्रिएट किया हुआ था वो भी काफी टेरिफिक नजर आता है रजनीकांत की कॉमेडी टाइमिंग आपको जरूर पसंद आएगी जो सीन के उनके योगी बाबू के साथ थे वो एक बढ़िया फन क्रिएट करते नजर आते एक डार्क कॉमेडी है वो फिल्म है वो काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है इसके अलावा इसमें अनिरुद्ध इस फिल्म के सेकंड पिलर कह सकते हैं जहाँ पे रजनीकांत के बाद अनिरुद्ध का बैकग्राउंड स्कोर ही फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से लिफ्ट करने में मदद करता है सुपरस्टार के जितने भी जो सीन्स थे थंपिंग बैकग्राउंड स्कोर की वजह से वो सभी चीज़ें बेहतर हो जाती है एक एवरेज चीज़ को वो एक अच्छी तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी बनाने में मदद करते हैं हुकुम गाने का भी काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ किया हुआ है जिस तरह से उसको इंटरवल में यूज़ किया था वो भी बढ़िया था ओवरऑल इस फिल्म में जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर का यूज़ किया हुआ है वो अच्छा नज़र आएगा फिल्म को एक अच्छा सपोर्ट देता हुआ नजर आता है वो आपको जरूर ब्लॉग इन कर देंगे वो आपको जरूर पसंद आएंगे सुनील तमना भाटिया का, तबना का से किया हुआ था वो फिल्म की स्टोरी लाइन को थोड़ा हुआ नजर आता है उनके किरदार को मजबूत किया जा सकता था या तो उनके किरदार को हटा दिया जा सकता था इस फिल्म का जो प्लॉट है वो आपको उतना कुछ बड़ा नज़र नहीं आएगा सेकंड हाफ में चीज़ें खींची हुई नज़र आती है हाँ कुछ ह्यूमर था जिस तरह से चीज़ों को दिखाया हुआ था फर्स्ट हाफ में वो काफ़ी एंगेजिंग था लेकिन उसके बाद में जिस तरह से कुछ चीज़ों को खींचा हुआ था वो फिल्म को बोर करता हुआ नज़र आता है इमोशनल सीन्स बेहतर वे में पेश किए जा सकते थे फिल्म में कुछ बेहतरीन ट्विस्ट भी डाले जा सकते थे फिल्म काफ़ी लंबी थी उसको चॉप अप किया जा सकता था लेकिन अनिरुद्ध का जो फैंटास्टिक बैकग्राउंड स्कोर था उसकी मदद से फिल्म काफी बढ़िया तरीके से कुछ सीन्स को एलिवेट करने में आगे बढ़ती है जिसके चलते सभी चीज़ें देखने में मज़ा आता है सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफी बढ़िया थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी सॉलिड नजर आती है एडिटिंग थी वो फिल्म की थोड़ी बेहतर की जा सकती थी खास करके सेकंड आप में डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार ने वैसे देखा जाए तो एक डिसेंट काम किया हुआ है रजनीकांत के किरदार को जिस तरह से लिखा हुआ था जिस तरह से उनको स्क्रीन प्ले में दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी हाँ फिल्म लंबी थी सेकंड आप में थोड़ी लेट डाउन कर देती है वहां पर चीज़ें बेहतर होती फिल्म और बेहतर होती लेकिन और देखा जाए तो एक, एक रजनीकांत की पेन पे इंडिया लेवल पे दस अगस्त दो को रिलीज किया गया था करीबन दो सौ करोड़ का बजट था जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स टू तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम डीवी पे फिल्म ने बाईस वोट हासिल किए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से बाद में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कई सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए जहाँ पे 200-250 करोड़ के बजट के सामने जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तो अच्छे बस के साथ फिल्म रिलीज हुई थी जिसके चलते पहले दिन फिल्म ने बहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर जहाँ पे सिर्फ इंडिया से ही बावन करोड़ का कलेक्शन निकल के आया हुआ था वहीं पर तमिलनाडु से तेईस करोड़ का कलेक्शन था पहले दिन केरला से पाँच करोड़ पिचासी लाख का तेलुगु स्टेट से यानी कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से दस करोड़ का कलेक्शन था कर्नाटक से ग्यारह करोड़ का और नॉर्थ इंडिया से साढ़े करोड़ का कलेक्शन हुआ था इंटरनेशनल मार्क ट से 40 करोड़ का कलेक्शन किया था जिसके चलते पहले दिन इस फिल्म ने बहत्तर करोड़ का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड लेवल पर दर्ज किया उसके बाद में इक्कीस अगस्त दो तक जेलर फिल्म ने तमिलनाडु से एक करोड़ तक का कलेक्शन किया हुआ था आंध्र प्रदेश तेलंगाना से पिछहत्तर करोड़ का और कर्नाटक से साठ करोड़ तक का कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे ओवरसीज के मार्केट में इस फिल्म ने इक्कीस अगस्त दो तक करीबन एक करोड़ इकतीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने काफी बेहतरीन तरीके से एक बिजनेस दिखाया जिसके चलते दो सौ करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने सौ

एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जेलर फिल्म का ओ वर्जन अगर आपको अभी ऑफिशियली देखना है तो वो आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से जेलर फिल्म का आप ऑफिशियली टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे जेलर जो दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको तेलुगु कन्नडा मलयालम हिंदी इन सभी वर्जन में डब करके साथ ही में रिलीज किया गया था जिसका मेन लैंग्वेज तमिल था फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ नेल्सन दिलीप कुमार ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीजें नेल्सन दिलीप कुमार ने ही की हुई जिनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बातचीत करें तो कोलम्बो कोकिला जिसमें नयन तारा लीड रोल में थी उस फिल्म से उन्होंने अपने राइटर डायरेक्टर की शुरुआत की हुई थी और दो में उस फिल्म ने एक अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाया था और बॉक्स ऑफिस पर वो एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी लेटर ऑन उसके बाद उन्होंने 2021 में डायरेक्ट फिल्म बनाई जिसका नाम था डॉक्टर जिसको भी उन्होंने ही लिखा डायरेक्ट किया तो जिसमें शिव कार्तिके और प्रियंका मोहन लीड रोल में थे और उस फिल्म ने भी 100 करोड़ के पार का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी खासी हिट फिल्म साबित हुई उसके बाद में दो में उन्होंने बेस्ट फिल्म बनाई जिसको लिखा और डिरेक्ट उन्होंने ही था लेकिन वो फिल्म उस तरह का कमल नहीं कर पाई जो उनकी पहली दो फिल्म कर पाई थी उसके बाद में उन्होंने ये जेलर फिल्म बनाई जहाँ पे जेलर फिल्म के साथ उन्होंने फिर से कम बेक करके दिखाया इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो कालनीति मारन जो सन पिक्चर्स के ओनर है उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इसको प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट दोनों किया हुआ है वहीं पे म्यूजिक के राइट्स भी उन्होंने अपने ही पास रखे हुए लीड रोल में सुपरस्टार रजनीकांत थे विनायकन रम्या कृष्णन वसंत रवि जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट काफी लंबी है और कुछ बड़े बड़े कैमियो कैमरेपीरेंस भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं फिल्म की टेक्निकल टीम में जो विजय कार्तिक कन्न है वो सीनेमेटोग्राफी करते हुए नजर आएंगे आर निर्मल एडिटिंग की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी आपको दो घंटे और अड़तालीस सेंसर, सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में अनिरुद्ध रविचंद्र का काम देखने को मिलेगा जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं जहां पे इन गानों को दो हजार बाईस में रिकॉर्ड किया गया था सन पिक्चर के द्वारा इसके राइट्स अपने पास ही रखे गए थे अट्ठारह मिनट चौबीस सेकंड का ये साउंड ट्रैक था जिसको अट्ठाईस जुलाई दो हजार का ऑफिशियली रिलीज करवाया हुआ था अनिरुद्ध रविचंद ने फिल्म के लिए बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म का पहला गाना था कावाला उसको अनिरुद्ध रविचंद सॉरी अनुराजा कामराज ने लिखा हुआ था शिल्पा राव ने गाया हुआ था वहीं पे राथा मारे करके जो गाना था उसको विघ्नेश तिवान ने लिखा हुआ था विशाल मिश्रा ने गाया हुआ था हुकुम थे और अलपपरा करके जो गाना था उसको सुपर सुबह ने लिखा हुआ था अनिरुद्ध रविचंदन रजनीकांत ने गाया हुआ था जुजुबी ने इस इस गाने को सुपर सुबु ने लिखा हुआ था धी अनंता कृष्णा और अनिरुद्ध रविचंदन ने गाया हुआ था इसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंटल थीम सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जैसे कि जेलर का एक थीम सेट किया हुआ था मुथुवेल पांडेन का थीम था जेलर का ड्रिल थीम था वहीं पर अलपारा का थीम था तो ये टोटल चार थीम भी थे तो इसके साथ टोटल आठ ट्रैक हुए थे जिसकी लेंथ थी अट्ठारह मिनट चौबीस सेकंड जिसको ऑफिशियली सन पिक्चर्स के द्वारा मल्टीपल लैंग्वेज में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स के ऊपर रिलीज करवाया हुआ था तो फिलहाल मैं सभी गाने वहां पर आप ऑफिशियल फॉर्मेट में सुन सकते हो अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की प्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं तो फिल्म के प्रोडक्शन के डेवलपमेंट 2021 में की गई थी जहाँ पे रिपोर्टली पता चला था कि रजनी खान के साथ एक सौ उनसत्तरवीं फिल्म नल्सन दिलीप कुमार करने वाले जहाँ पे बेस्ट फिल्म के बाद वो इस के ऊपर काम करेंगे 10 फरवरी दो को सन पिक्चर्स ने इस फिल्म को अनाउंस किया ऑफिशियली अनाउंस किया और जहाँ पे इस फिल्म को टेंटेटिव टाइटल थलाईवर वन सिक्स दिया हुआ था फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था जेलर उसको सत्रह जून दो को अनाउंस

सिनेमा में डेब्यू था बाद में वसंत रवि को कास्ट किया गया रजनीकांत के बेटे के रोल के लिए ममूटी को विनायक ने जो रोल प्ले किया हुआ है वो ओरिजिनली ऑफर किया गया था ममूटी को विलन का रोल लेकिन वो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट के चलते वो चीज़ें सही नहीं बैठ पाई उसके बाद में जो सुनील तमन्ना भाटिया उनके भी एक एक केमी अपीरेंस होने वाले उन सभी चीज़ों के ऊपर भी अनाउंस हुई थी अनाउंसमेंट हुई थी मोहन लाल जे की इन सभी को भी इस फिल्म के लिए कास्ट किया हुआ था तो इस तरह से ये सभी चीज़ें देखने को मिली जहाँ पे जेके शोप और रजनीकांत करीबन छत्तीस सालों के बाद इस फिल्म में काम करते एक साथ नजर आए थे उत्तर दक्षिण फिल्म उन्होंने बनाई हुई थी साथ में हिंदी लैंग्वेज में उसके बाद इस फिल्म में उन्होंने काम किया हुआ है अब बात करें इस फिल्म की फिल्मिंग के ऊपर तो टेस्ट लूग शूट था जो वो जुलाई 2022 में चेन्नई में सेट किया हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो तीन अगस्त 2022 से हैदराबाद में स्टार्ट की हुई थी लेकिन कुछ चीज़ों के चलते फिल्म डिले हुई थी शूटिंग में तो जिसके चलते फ़िल्म को बाद में लेट शूट किया गया था जहाँ पर बाईस अगस्त को चेन्नई में एक शूटिंग सेट की गई थी अक्टूबर महीने में, में इस फिल्म को कड्डलोर में शूट किया हुआ था जनवरी दो में कुछ चीज़ें बाकी थी जिसको जैसलमेर में भी शूट किया हुआ था राजस्थान में उसके बाद में उसी महीने में इस फिल्म को मैंगलोर में भी कुछ सीन्स के लिए शूट किया हुआ था जहाँ पे शिवराज कुमार के साथ कुछ सीन्स फिल्माए गए थे मार्च में क्लाइमेक्स में एक क्लाइमेक्स सीन सेट किया हुआ था शूट के लिए जिसको अथरपल्ली फॉल्स और चलकुत्ती जो केरला में वहाँ पे शूट किया हुआ था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो एक जून दो हजार बाईस को रेपअप करवाई हुई थी तो ये फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग इस तरह से की गई थी जहाँ पे बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर भी काम किया हुआ था फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल तो रजनीकांत प्ले करे जो हाँ जेलर यानी कि टाइगर मथुवेल पांडेन का किरदार प्ले कर करे वर्मन का रोल विनायकन ने प्ले किया हुआ है विजय विजी पांडेन का जो रोल है मथुवेल की वाइफ का और रम्या कृष्णा ने प्ले किया हुआ है एसीपी अर्जुन पांडेन जो मथुवेल और विजी का बेटा है वो रोल वसंत रवि ने प्ले किया हुआ है कामना के रोल में तमन्ना भाटिया देखने को मिलेगी ब्लास्ट मोहन का रोल सुनील ने प्ले किया हुआ है विमल के रोल में योगी बाबू देखने को मिलेंगे श्वेता पांडेन जो अर्जुन की वाइफ का रोल है वो मीणा मेनन ने प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में ऋत्विक पांडेन यानी कि ऋतु का जो रोल है जो मथुवेल का ने ने ऋत्विक ही प्ले किया हुआ है वहीं पे धनराज का रोल है वो हर्षद ने प्ले किया हुआ है दोखीनाथ का रोल जफर सादिक ने प्ले किया हुआ था पानीर का रोल रोल है वो जी मारे रोलमुथु ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर एस धंदापानी का रोल है गणेश ने प्ले किया हुआ है दिव्यानाथन का रोल है वो रेडिन किंग्सले ने प्ले किया हुआ था बगुनारा बालू का रोल सुनील रेड्डी ने प्ले किया हुआ था सीनू का रोल सर्वानंद ने प्ले किया हुआ था इंस्पेक्टर जी कंगा लक्ष्मी का जो रोल था वो थांगी निशा ने प्ले किया हुआ है पुलिस कांस्टेबल के रोल में महानंदी सिंह देखने को मिलेंगे राजा राव का रोल है वो पद्म कुमार ने प्ले किया हुआ था संजू का रोल कराटे कार्तिक को दिया गया था नसीमा के हैंचमैन के रोल में सुंगुनाथन देखने को मिलेंगे वहीं पे पंजू का जो रोल था वो बिल्ली मुरली ने प्ले किया हुआ था सीनू के मेजर का रोल है वो पावेल मनी ने प्ले किया हुआ था वर्मन के हैंचमैन का रोल है वो सूरज पॉप्स ने प्ले किया हुआ था वर्मन के दूसरे हेंचमैन का रोल है वो डांसर रमेश ने प्ले किया हुआ था करीम गैंगस्टर मेंबर का जो रोल था वो हाजी मोहम्मद ने प्ले किया हुआ था जाफार के रोल में किशोर देखने को मिलते हैं सिकंदर सिंह का रोल है वो मकरंदेश पांडे ने प्ले किया हुआ है सी ऑफिसर का जो अनक्रेडिटेड रोल था वो उदय बानो महेश्वरन ने प्ले किया हुआ है कुछ कैम्यो अपीरेंस भी देखने को मिलेंगे बड़े बड़े कैम्यू अपीरियंस जिसमें मोहन ने मैथ्यू के रोल में कैम्यू अपीरेंस दिया हुआ है नरसिम्हा के रोल में शिवराज कुमार ने कैम्यू अपीरेंस दिया हुआ है कामदेव के रोल में जेकि सरव आपको कैम्यूअपीरेंस देते हुए नजर आएंगे नागा बाबू मुथुअल के फॉर्मर कलिक के रोल में एक कैम्यू अपीरेंस दिए हुए थे वहीं पर कावा ला करके जो गाना है उसमें जाने ने कैम्यो अपीरेंस दिया हुआ है तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो मुथुवेल पांडियन एक के मुथु यानी कि रजनीकांत वो एक रिटायर जेलर है जहाँ पे वो अपनी सिंपल लाइफ अपनी फैमिली के साथ जीते हुए नजर आते हैं उनके बेटे यानी कि अर्जुन जिसका रोल वसंत रवि प्ले कर रहे हैं वो एक सीसियर पुलिस ऑफिसर है जहाँ पे उनकी एक टसल है वो एक वर्मान नाम के एक एंटागोनी से हो जाती है एक स्मगलर से हो जाती है जिसका रोल विनायकन प्ले करते हैं वो एंटिक पीस का स्मगलर करते हुए नजर आते हैं किसी एक दिन अर्जुन अचानक से मिस हो जाता है उसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट में एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है बाद में मुथुवेल पांडियन को जब इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है उसके बाद में उनको ये भी पता लगता है कि उनके बेटे को मार दिया गया है तो अब इसके पीछे कौन है क्यों मारा हुआ है उसको क्यों खत्म किया हुआ है वो सभी चीजें फिल्म में आगे जाके दिखाई जाती है उसके बाद में मुथुवेल पांडेन जब इन सभी चीज़ों को दे ढूंढने निकलता है जब वो अपने इस रास्ते पे निकलता है तब उसको कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट पता चलते हैं जहाँ पे उसका जो मोटो था वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है तो अब ये क्या है मुथुवेल पांडेन उन सभी चीज़ों को उन सरप्राइज को, को कैसे डील करेगा वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है सुपरस्टार रजनीकांत काफ़ी लंबे समय के बाद इस टाइप के सॉलिड रोल में देखने के मिलते हैं आपको जहाँ पे उनका कैरेक्टराइजेशन काफ़ी बढ़िया तरीके से दिलीप कुमार ने किया हुआ रजनीकांत ने एक अंडर प्ले वाला जो फर्स्ट हाफ में काम किया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया नजर आता है जिस उनका एक फोर्स में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है वो भी काफी बढ़िया था था इसके अलावा जिस तरह सेंटर ब्लॉक क्रिएट किया हुआ था, वो भी काफ़ी टेरिफिक नजर आता है रजनीकांत की कॉमेडी टाइमिंग आपको जरूर पसंद आएगी जो सीन के उनके योगी बाबू के साथ थे वो एक बढ़िया फन क्रिएट करते नजर आते एक डार्क कॉमेडी है वो फिल्म है वो काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है इसके अलावा इसमें अनिरुद्ध इस फिल्म के सेकंड पिलर कह सकते हैं जहाँ पे रत्नीकांत के बाद अनिरुद्ध का बैकग्राउंड स्कोर ही फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से लिफ्ट करने में मदद करता है सुपरस्टार के जितने भी जो सीन्स थे थंपिंग बैकग्राउंड स्कोर की वजह से वो सभी चीज़ें बेहतर हो जाती है एक एवरेज चीज़ को वो एक अच्छी तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी बनाने में मदद करते हैं हुकुम गाने का भी काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ किया हुआ है जिस तरह से उसको इंटरवल में यूज़ किया था वो भी बढ़िया था ओवरऑल इस फिल्म में जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर का यूज़ किया हुआ है वो अच्छा नज़र

ह्यूमर था जिस तरह से चीजों को दिखाया हुआ था फर्स्ट हाफ में वो काफी था, लेकिन उसके बाद में जिस तरह से कुछ चीजों को खींचा हुआ था वो फिल्म को बोर करता हुआ नजर आता है इमोशनल सीन्स बेहतर वे में पेश डाले जा सकते थे फिल्म काफी लंबी थी उसको चौपअप किया जा सकता था लेकिन अनिरुद्ध का जो फेंटास्टिक बैकग्राउंड स्कोर था उसकी मदद से फिल्म काफी बढ़िया तरीके से कुछ सीन्स को एलिवेट करने में आगे बढ़ती है जिसके चलते ये सभी चीज़ें देखने में मजा आता है सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी सॉलिड नज़र आती है एडिटिंग थी वो फिल्म की थोड़ी बेहतर की जा सकती थी खास करके सेकंड आप में डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार ने वैसे देखा जाए तो एक डिसाइन काम किया हुआ है रजनीकांत के किरदार को जिस तरह से लिखा हुआ था जिस तरह से उनको स्क्रीन प्ले में दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी हाँ फिल्म लंबी थी सेकंड हाफ में थोड़ी लेट डाउन कर देती है वहाँ पर चीज़ें बेहतर होती फिल्म और बेहतर होती है लेकिन और देखा जाए तो एक आसानी से बचा ले जाता है। उनकी से फिल्म आप जरूर देख सकते हो जहां पे जेलर फिल्म को, पे इंडिया लेवल पे दस अगस्त दो को रिलीज किया गया था करीबन दो सौ करोड़ का बजट था जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते फिल्म ने बाईस वोट हासिल किए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से बाद में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कई सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए जहाँ पे 200-250 करोड़ के बजट के सामने जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तो अच्छे बस के साथ फिल्म रिलीज हुई थी जिसके चलते पहले दिन फिल्म ने बहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर जहाँ पे सिर्फ इंडिया से ही बावन करोड़ का कलेक्शन निकल के आया हुआ था वहीं पर तमिलनाडु से तेईस करोड़ का कलेक्शन था पहले दिन केरला से पाँच करोड़ पिचासी लाख का तेलुगु स्टेट से यानी कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से दस करोड़ का कलेक्शन था कर्नाटक से ग्यारह करोड़ का और नॉर्थ इंडिया से साढ़े करोड़ का कलेक्शन हुआ था इंटरनेशनल मार्केट से 40 करोड़ का कलेक्शन किया था जिसके चलते पहले दिन इस फिल्म ने बहत्तर करोड़ का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड लेवल पे दर्ज किया उसके बाद में इक्कीस अगस्त दो तक जेलर फिल्म ने तमिलनाडु से एक करोड़ तक का कलेक्शन किया हुआ था आंध्र प्रदेश तेलंगाना से पिछहत्तर करोड़ का और कर्नाटक से साठ करोड़ तक का कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे ओवरसीज के मार्केट में इस फिल्म ने इक्कीस अगस्त दो तक करीबन एक करोड़ इकतीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने काफी बेहतरीन तरीके से एक बिजनेस दिखाया जिसके चलते दो सौ करोड़ के बजट के सामने फिल्म छह सौ से साढ़े छः सौ का करोड़ का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर करके दिखाया तो ये एक अच्छा कलेक्शन हुआ और जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी इस फिल्म के ओ राइट्स से वो अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम हिंदी सभी वर्जन के लिए तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर जेलर नाम के साथ हिंदी तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में विथ इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन देख सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जेलर फिल्म का ओ वर्जन अगर आपको अभी ऑफिशियली देखना है तो वो आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से जेलर फिल्म को आप ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलगू तमिल कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे जेलर जो दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको तेलुगू कन्नड़ा मलयालम हिंदी इन सभी वर्जन में डब करके साथ ही में रिलीज किया गया था जिसका मेन लैंग्वेज तमिल था फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है नेल्सन दिलीप कुमार ने स्टोरी आइडिया स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें नेल्सन दिलीप कुमार ने ही की हुई जिनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बातचीत करें तो कोलम्बो कोकिला जिसमें नयन लीड रोल में थी उस फिल्म से उन्होंने अपने राइटर डायरेक्टर की शुरुआत की हुई थी वो दो में उस फिल्म ने एक अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाया था और बॉक्स ऑफिस पर वो एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी लेटर ऑन उसके बाद उन्होंने 2021 में डायरेक्ट फिल्म बनाई जिसका नाम था डॉक्टर जिसको भी उन्होंने ही लिखा डायरेक्ट किया तो जिसमें शिव कार्तिके और प्रियंका मोहन लीड रोल में थे और उस फिल्म ने भी सौ करोड़ के पार का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी खासी हिट फिल्म साबित हुई उसके बाद में 2022 में उन्होंने बेस्ट फिल्म बनाई जिसको लिखा और डायरेक्ट उन्होंने ही था लेकिन वो फिल्म उस तरह का कमल नहीं कर पाई जो उनकी पहली दो फिल्म कर पाई थी उसके बाद में उन्होंने ये जेलर फिल्म बनाई जहाँ पे जेलर फिल्म के साथ उन्होंने फिर से कम करके दिखाया इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो कालनीति मारन जो सन पिक्चर्स के ओनर है उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इसको प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट दोनों किया हुए। वहीं पे म्यूजिक में सुपरस्टार रजनीकांत देखने को मिलेंगे इसके है और कुछ बड़े -बड़े भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाले है फिल्म की टेक्निकल टीम में जो विजय कार्तिक कन्न है वो सिनेमेटोग्राफी करते हुए नजर आएंगे आर निर्मल ने एडिटिंग की हुई है जिन्होंने एक सौ अड़सठ मिनट का रन टाइम दिया हुआ कि फिल्म आपको दो घंटे और अड़तालीस

ऑफिशियली रिलीज करवाया हुआ था अनिरुद्ध फिल्म के लिए बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म का पहला गाना था कावाला उसको अनिरुद्ध का, सॉरी अनुराजा कामराज ने लिखा हुआ था शिल्पा राव ने गाया हुआ था वहीं पे राथा मारे करके जो गाना था उसको विघ्नेश सिवान ने लिखा हुआ था विशाल मिश्रा ने गाया हुआ था हुकुम थलई और अलपपरा करके जो गाना था उसको सुपर सुबु ने लिखा हुआ था अनिरुद्ध रविचंद्र रजनीकांत ने गाया हुआ था जुजुबी ने इस इस गाने को सुपर सुब्बु ने लिखा हुआ था धी अनंता कृष्णा और अनिरुद्ध रविचंद्र ने गाया हुआ था इसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंटल थीम सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जैसे कि जेलर का एक थीम सेट किया हुआ था मुथुवेल पांडेन का थीम था जेलर का ड्रिल थीम था वहीं पर अलपारा का थीम था तो ये टोटल चार थीम भी थे तो इसके साथ टोटल आठ ट्रैक हुए थे जिसकी लेंथ थी अट्ठारह मिनट चौबीस सेकंड जिसको ऑफिशियली सन पिक्चर्स के द्वारा मल्टीपल लैंग्वेज में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स के ऊपर रिलीज करवाया हुआ था तो फिलहाल मैं सभी गाने वहां पर आप ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर जहां पे इस फिल्म की प्रोडक्शन से शुरुआत करते तो फिल्म के प्रोडक्शन के डेवलपमेंट 2021 में की गई थी जहां पे रिपोर्टली पता चला था कि रजनी खान के साथ एक सौ उनसत्तरवीं फिल्म नील दिल, दिलीप कुमार करने वाले जहां पे बेस्ट फिल्म के बाद वो इस के ऊपर काम करेंगे 10 फरवरी 2022 को सन पिक्चर्स ने इस फिल्म को अनाउंस किया ऑफिशियली अनाउंस किया और जहां पे इस फिल्म को टेंटेटिव टाइटल थलाई वन वन दिया हुआ था फिल्म का ऑफिशियल टाइटल

रोल प्ले किया हुआ था जिसमें उनका तमिल सिनेमा में डेब्यू था बाद में वसंत रवि को कास्ट किया गया रजनीकांत के बेटे के रोल के लिए मम्मी को विनायक ने जो रोल प्ले किया हुआ है वो ओरिजिनली ऑफर किया गया था मम्मी को विलन का रोल लेकिन वो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट के चलते वो चीज़ें सही नहीं बैठ पाई उसके बाद में जो सुनील तमन्ना भाटिया उनके भी एक एक केमी अपियर होने वाले उन सभी चीज़ों के ऊपर भी अनाउंस हुई थी अनाउंसमेंट हुई थी मोहन लाल जेकी सरोफ इन सभी को भी इस फिल्म के लिए कास्ट किया हुआ था तो इस तरह से ये सभी चीज़ें देखने को मिली जहाँ पे जेके श्रॉफ और रजनीकांत करीबन 36 सालों के बाद इस फिल्म में काम करते एक साथ नजर आए थे उत्तर दक्षिण फिल्म उन्होंने बनाई हुई थी साथ में हिंदी लैंग्वेज में उसके बाद इस फिल्म में उन्होंने काम किया हुआ है अब बात करें इस फिल्म की आ, फिल्मिंग के ऊपर तो टेस्ट लोग शूट था जो वो जुलाई 2022 में चेन्नई में सेट किया हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो तीन अगस्त 2022 से हैदराबाद में स्टार्ट की हुई थी लेकिन कुछ चीज़ों के चलते फिल्म डिले हुई थी शूटिंग में तो जिसके चलते फिल्म को बाद में लेट शूट किया गया था जहां पे 22 अगस्त को चेन्नई में एक शूटिंग सेट की गई थी अक्टूबर महीने में, में इस फिल्म को कड्डलोर में शूट किया हुआ था जनवरी दो में कुछ चीज़ें बाकी थी जिसको जैसलमेर में भी शूट किया हुआ था राजस्थान में उसके बाद में उसी महीने में इस फिल्म को मेंगलोर में भी कुछ सीन्स के लिए शूट किया हुआ था जहाँ पे शिवराज कुमार के साथ कुछ सीन्स फिल्माए गए थे मार्च में क्लाइमेक्स में एक क्लाइमेक्स सीन सेट किया हुआ था शूट के लिए जिसको अथरपल्ली फॉल्स और चलकुत्ती जो केरला में वहाँ पर शूट किया हुआ था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो एक जून दो हज़ार बाईस को रेपअप करवाई हुई थी तो ये फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग इस तरह से की गई थी जहाँ पर बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर भी काम किया हुआ था फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल तो रजनीकांत प्ले करे जो हाँ जेलर यानी कि टाइगर मथुवेल पांड्यन का किरदार प्ले कर करे वर्मन का रोल विनायकन ने प्ले किया हुआ है विजया विजी पांडेयन का जो रोल है मथुवेल की वाइफ का और रम्या कृष्णा ने प्ले किया हुआ है एसीपी अर्जुन पांडेन जो मथुवेल और विजी का बेटा है वो रोल वसंत रवि ने प्ले किया हुआ है कामना के रोल में तमन्नाथ पाटिया देखने को मिलेगी ब्लास्ट मोहन का रोल सुनील ने प्ले किया हुआ है विमल के रोल में योगी बाबू देखने को मिलेंगे श्वेता पांडेन जो अर्जुन की वाइफ का रोल है वो मीणा मेनन ने प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में ऋत्विक पांडेन यानी कि ऋतु का जो रोल है जो मथुवेल का ग्रैंड सर ने वो रोल ऋतविक ने ही प्ले किया हुआ है वहीं पे धनराज का रोल है वो हर्षद ने प्ले किया हुआ है दोखीनाथ का रोल जफर सादिक ने प्ले किया हुआ था पनीर का रोल है वो जी मारे मुथु ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर एस धंदापानी का रोल है वी गणेश ने प्ले किया हुआ है दिव्यानाथन का रोल है वो रेडिन किंग्सले ने प्ले किया हुआ था बगुनारा बालू का रोल सुनील रेड्डी ने प्ले किया हुआ था सीनू का रोल सर्वानंद ने प्ले किया हुआ था इंस्पेक्टर जी कंगा लक्ष्मी का जो रोल था वो थांगी निशा ने प्ले किया हुआ है पुलिस कांस्टेबल के रोल में महानंदी सिंह का देखने को मिलेंगे राजा राव का रोल है वो पदम कुमार ने प्ले किया हुआ था संजू का रोल कराटे कार्तिक को दिया गया था नरसीम्हा के हैंचमैन के रोल में सुंगुनाथन देखने को मिलेंगे वहीं पर पंजू का जो रोल था वो बिल्ली मुरली ने प्ले किया हुआ था सीनू के मेजर का रोल है वो पावेल मनी ने प्ले किया हुआ था वर्मन के हेंचमैन का रोल है वो सूरज पॉप्स ने प्ले किया हुआ था वर्मन के दूसरे हेंचमैन का रोल है वो डांसर रमेश ने प्ले किया हुआ था करीम गैंगस्टर मेंबर का जो रोल था वो हाजी मोहम्मद ने प्ले किया हुआ था जाफार के रोल में किशोर देखने को मिलते हैं सिकंदर सिंह का रोल है वो मकरंदेश पांडे ने प्ले किया हुआ है सी ऑफिसर का जो अनक्रेडिटेड रोल था वो उदय बानो महेश्वरन ने प्ले किया हुआ है कुछ केम्यो अपियर भी देखने को मिलेंगे बड़े बड़े कैम्यू अपियर जिसमें मोहन लाल ने मैथ्यू के रोल में कम्यू अपियरेंस दिया हुआ है नरसिम्हा के रोल में शिवराज कुमार ने कम्यूअ अपीरेंस दिया हुआ है कामदेव के रोल में जेकि सरव आपको कैम्यो अपेरेंस देते हुए नजर आएंगे नागा बाबू मुथुअल के फॉर्मर कलिक के रोल में एक कैम्यो अपेरेंस दिए हुए थे वहीं पर कावा ला कर जो गाना है उसमें जाने के कैम्यपियर दिया हुआ है तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो मुथुअल पांडेन ए मुथु के मुथु यानी कि रजनीकांत वो एक रिटायर्ड जेलर है जहाँ पे वो अपनी सिंपल लाइफ अपनी फैमिली के साथ जीते हुए नजर आते हैं उनके बेटे यानी कि अर्जुन जिसका रोल वसंत रवि प्ले कर रहे हैं वो एक सीसियर पुलिस ऑफिसर है जहाँ पे उनकी एक टसल है वो एक वर्मान नाम के एक कैंटागोनी से हो जाती है एक स्मगलर से हो जाती है जिसका रोल विनायकन प्ले करते हैं वो एंटिक पीस का स्मगलिंग करते हुए नजर आते हैं किसी एक दिन अर्जुन अचानक से मिस हो जाता है उसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट में एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है बाद में मथुवेल पांडियन को जब इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है उसके बाद में उनको ये भी पता लगता है कि उनके बेटे को मार दिया गया है तो अब इसके पीछे कौन है क्यों मारा हुआ है उसको क्यों खत्म किया हुआ है वो सभी चीजें फिल्म में आगे जाके दिखाई जाती है उसके बाद में मुथुवेल पांडेन जब इन सभी चीज़ों को दे ढूंढने निकलता है जब वो अपने इस रास्ते पे निकलता है तब उसको कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट पता चलते हैं जहाँ पर उसका जो मोटो था वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है तो अब ये क्या है मुथुवेल पांडेन उन सभी चीज़ों को उन सरप्राइज को, को कैसे डील करेगा वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है सुपरस्टार रजनीकांत काफ़ी लंबे समय के बाद इस टाइप के सोलड रोल में देखने के मिलते हैं आपको जहाँ पर उनका कैरेक्टराइजेशन काफ़ी बढ़िया तरीके से दिलीप कुमार ने किया हुआ रजनीकांत ने एक अंडर प्ले वाला जो फर्स्ट हाफ में काम किया हुआ था वो काफी बढ़िया नजर आता है जिस तरह के उनका एक मीनिंग फोर्स में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है वो भी काफी बढ़िया था इसके अलावा जिस तरह सेंटर ब्लॉक क्रिएट किया हुआ था वो भी काफी टेरिफिक नजर आता है रजनीकांत की कॉमेडी टाइमिंग आपको जरूर पसंद आएगी जो सीन के उनके योगी बाबू के साथ थे वो एक बढ़िया फन क्रिएट करते नजर आते एक डार्क कॉमेडी है वो फिल्म है वो काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है इसके अलावा इसमें अनिरुद्ध इस फिल्म के सेकंड पिलर कह सकते हैं जहाँ पे रजनीकांत के बाद अनिरुद्ध का बैकग्राउंड स्कोर ही फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से लिफ्ट करने में मदद करता है सुपरस्टार के जितने भी जो सीन्स थे थंपिंग बैकग्राउंड स्कोर की वजह से वो सभी चीज़ें बेहतर हो जाती है एक एवरेज चीज़ को वो एक अच्छी तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डीरी बनाने में मदद करते हैं हुकुम गाने का भी काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ किया हुआ है जिस तरह से उसको इंटरवल में यूज़ किया था वो भी बढ़िया था ओवरऑल इस फिल्म में जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर का यूज़ किया हुआ है वो अच्छा

ह्यूमर था जिस तरह से चीजों को दिखाया हुआ था फर्स्ट हाफ में वो काफी एंगेजिंग था लेकिन उसके बाद में जिस तरह से कुछ चीजों को खींचा हुआ था वो फिल्म को बोर करता हुआ नजर आता है इमोशनल सीन्स बेहतर वे में पेश किए जा सकते थे फिल्म में कुछ बेहतरीन ट्विस्ट भी डाले जा सकते थे फिल्म काफी लंबी थी उसको चॉप अप किया जा सकता था लेकिन अनिरुद्ध का जो फैंटास्टिक बैकग्राउंड स्कोर था उसकी मदद से फिल्म काफी बढ़िया तरीके से कुछ सीन्स को एलिवेट करने में आगे बढ़ती है जिसके चलते ये सभी चीज़ें देखने में मज़ा आता है सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफी बढ़िया थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी सॉलिड नज़र आती है एडिटिंग थी वो फिल्म की थोड़ी बेहतर की जा सकती थी खास करके सेकंड आप में डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार ने वैसे देखा जाए तो एक डिसन काम किया हुआ है रजनीकांत के किरदार को जिस तरह से लिखा हुआ था जिस तरह से उनको स्क्रीन प्ले में दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी हाफ फिल्म लंबी थी सेकंड आप में थोड़ी लेट डाउन कर देती है वहाँ पे चीज़ें बेहतर होती फिल्म और बेहतर होती है लेकिन और देखा जाए तो एक, एक रजनीकांत की अनिरुद्ध का पेन पे इंडिया लेवल पे 10 अगस्त 2023 को रिलीज किया गया था करीबन दो सौ करोड़ का बजट था जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते आई एम पे इस फिल्म ने बाईस वोट हासिल किए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से बाद में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कई सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए जहाँ पे 200-250 करोड़ के बजट के सामने जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तो अच्छे बस के साथ फिल्म रिलीज हुई थी जिसके चलते पहले दिन फिल्म ने बहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर जहाँ पे सिर्फ इंडिया से ही बावन करोड़ का कलेक्शन निकल के आया हुआ था वहीं पर तमिलनाडु से तेईस करोड़ का कलेक्शन था पहले दिन केरला से पाँच करोड़ पिचासी लाख का तेलुगु स्टेट से यानी कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से दस करोड़ का कलेक्शन था कर्नाटक से ग्यारह करोड़ का और नॉर्थ इंडिया से साढ़े करोड़ का कलेक्शन हुआ था इंटरनेशनल मार्केट ट से 40 करोड़ का कलेक्शन किया था जिसके चलते पहले दिन इस फिल्म ने बहत्तर करोड़ का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड लेवल पर दर्ज किया उसके बाद में इक्कीस अगस्त दो तक जेलर फिल्म ने तमिलनाडु से एक करोड़ तक का कलेक्शन किया हुआ था आंध्र प्रदेश तेलंगाना से पिचहत्तर करोड़ का और कर्नाटक से साठ करोड़ तक का कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे ओवरसीज के मार्केट में इस फिल्म ने इक्कीस अगस्त दो तक करीबन एक था था। नादा था नादा था। नादा था करोड़ इकतीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने काफी बेहतरीन तरीके से एक बिजनेस दिखाया जिसके चलते दो सौ ढाई सौ करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने छह सौ

एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जेलर फिल्म का ओ वर्जन अगर आपको अभी ऑफिशियली देखना है तो वो आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से जेलर फिल्म का आप ऑफिशियली ओटी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे जेलर जो दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको तेलुगु कन्नड़ा मलयालम हिंदी इन सभी वर्जन में डब करके साथ ही में रिलीज किया गया था जिसका मेन लैंग्वेज तमिल था फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है नेल्सन दिलीप कुमार ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें नेल्सन दिलीप कुमार ने ही की हुई जिनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बातचीत करें तो कोलम्बो कोकिला जिसमें नयन लीड रोल में थी उस फिल्म से उन्होंने अपने राइटर डिरेक्टर की शुरुआत की हुई थी और दो में उस फिल्म ने एक अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाया था और बॉक्स ऑफिस पर वो एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी लेटर ऑन उसके बाद उन्होंने 2021 में डायरेक्ट फिल्म बनाई जिसका नाम था डॉक्टर जिसको भी उन्होंने ही लिखा डायरेक्ट किया तो जिसमें शिव कार्तिके और प्रियंका मोहन लीड रोल में थे और उस फिल्म ने भी 100 करोड़ के पार का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी खासी हिट फिल्म साबित हुई उसके बाद में 2022 में उन्होंने बेस्ट फिल्म बनाई जिसको लिखा और डायरेक्ट उन्होंने ही था लेकिन वो फिल्म उस तरह का कमल नहीं कर पाई जो उनकी पहली दो फिल्म कर पाई थी उसके बाद में उन्होंने ये जेलर फिल्म बनाई जहाँ पे जेलर फिल्म के साथ उन्होंने फिर से कम करके दिखाया इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो कालनीति मारन जो सन पिक्चर्स के नारे, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इसको प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट दोनों किया हुआ है वहीं पे म्यूजिक के राइट्स भी उन्होंने अपने ही पास रखे हुए लीड रोल में सुपरस्टार रजनीकांत थे विनायकान, रम्या है विनायकृष रवि जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट काफी लंबी है और कुछ बड़े बड़े कैमरे ओपीरियंस भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं फिल्म की टेक्निकल टीम में जो विजय कार्तिक कन्न है वो सिनेमाटोग्राफी करते हुए नजर आएंगे आर निर्मल ने एडिटिंग की हुई है जिन्होंने एक सौ अड़सठ मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे और स मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी जहाँ पे जब इस फिल्म को ऑफिशियली टी टी पर प्रीमियर करवाया गया एक पे चौंसठ मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे चवालीस मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया हुआ था जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में अनिरुद्ध रविचंद्र का काम देखने को मिलेगा जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं जहां पे इन गानों को दो हजार में रिकॉर्ड किया गया था सन पिक्चर्स के द्वारा इसके राइट्स अपने पास ही रखे गए थे अट्ठारह मिनट चौबीस सेकंड का ये साउंड ट्रैक था जिसको अट्ठाईस जुलाई 2023 हज़ार का ऑफिशियली रिलीज़ करवाया हुआ था अनिरुद्ध रविचंद्र ने फिल्म के लिए बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म का पहला गाना था कावाला उसको अनिरुद्ध रविचंद सॉरी अनुराजा कामराज ने लिखा हुआ था शिल्पा राव ने गाया हुआ था वहीं पे राथा मारे करके जो गाना था उसको विघ्नेश सिवान ने लिखा हुआ था विशाल मिश्रा ने गाया हुआ था हुकुम थलाईवर अलपपरा करके जो गाना था उसको सुपर सुबो ने लिखा हुआ था अनिरुद्ध रविचंद्र रजनीकांत ने गाया हुआ था जुजुबी ने इस इस गाने को सुपर सुबो ने लिखा हुआ था धी अनंता कृष्णा और अनिरुद्ध रविचंद्र ने गाया हुआ था इसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंटल थीम सॉन्ग सुनने को मिलेंगे जैसे कि जेलर का एक थीम सेट किया हुआ था मुथुवेल पांडेन का थीम था जेलर का ड्रिल थीम था वहीं पर अलपारा का थीम था तो ये टोटल चार थीम भी थे तो इसके साथ टोटल आठ ट्रैक हुए थे जिसकी लेंथ थी अट्ठारह मिनट चौबीस सेकंड जिसको ऑफिशियली सन पिक्चर्स के द्वारा मल्टीपल लैंग्वेज में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स के ऊपर रिलीज करवाया हुआ था तो फिलहाल में सभी गाने वहां पर आप ऑफिशियल फॉर्मेट में सुन सकते हो अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की प्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं तो फिल्म के प्रोडक्शन के डेवलपमेंट 2021 में की गई थी जहाँ पे रिपोर्टली पता चला था कि रजनी खान के साथ एक सौ उनसत्तरवीं फिल्म नल्सन दिलीप कुमार करने वाले जहाँ पे बिस्ट फिल्म के अफसा बाद वो इस के ऊपर काम करेंगे दस फरवरी दो को सन पिक्चर्स ने इस फिल्म को अनाउंस किया ऑफिशियली अनाउंस किया और जहाँ पे इस फिल्म को टेंटेटिव टाइटल थलाईवर वन दिया हुआ था फिल्म का ऑफिशियल टाइटल था जेलर उसको सत्रह जून दो को अनाउंस

सिनेमा में डेब्यू था बाद में वसंत रवि को कास्ट किया गया चिरा रजनीकांत के बेटे के रोल के लिए मम्मूटी को विनायकन ने जो रोल प्ले किया हुआ है वो ओरिजिनली ऑफर किया गया था मम्मूटी को विलन का रोल लेकिन वो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट के चलते वो चीज़ें सही नहीं बैठ पाई उसके बाद में जो सुनील तमन्ना भाटिया उनके भी एक एक केव्यू अपीरेंस होने वाले उन सभी चीज़ों के ऊपर भी अनाउंस हुई थी अनाउंसमेंट हुई थी मोहन लाल जेकी सरोप इन सभी को भी इस फिल्म के लिए कास्ट किया हुआ था तो इस तरह से ये सभी चीज़ें देखने को मिली जहाँ पे जेकी सोप और रजनीकांत करीबन 36 सालों के बाद इस फिल्म में काम करते एक साथ नजर आए थे उत्तर दक्षिण फिल्म उन्होंने बनाई हुई थी साथ में हिंदी लैंग्वेज में उसके बाद इस फिल्म में उन्होंने काम किया हुआ है अब बात करें इस फिल्म की फिल्मिंग के ऊपर तो टेस्ट लोग शूट था जो वो जुलाई 2022 में चेन्नई में सेट किया हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो तीन अगस्त 2022 से हैदराबाद में स्टार्ट की हुई थी लेकिन कुछ चीज़ों के चलते फिल्म डिले हुई थी शूटिंग में तो जिसके चलते फिल्म को बाद में लेट शूट किया गया था जहाँ पे बाईस अगस्त को चेन्नई में एक शूटिंग सेट की गई थी अक्टूबर महीने में, में इस फिल्म को कड्डलोर में शूट किया हुआ था जनवरी दो में कुछ चीज़ें बाकी थी जिसको जैसलमर में भी शूट किया हुआ था राजस्थान में उसके बाद में उसी महीने में इस फिल्म को मैंगलोर में भी कुछ सीन्स के लिए शूट किया हुआ था जहाँ पे शिवराज कुमार के साथ कुछ सीन्स फिल्माए गए थे मार्च में क्लाइमेक्स में एक क्लाइमेक्स सीन सेट किया हुआ था शूट के लिए जिसको अथरपल्ली फॉल्स और चलकुत्ती जो केरला में वहाँ पर शूट किया हुआ था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो एक जून दो बाईस को बाईस अप करवाई हुई थी तो ये फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग इस तरह से की गई थी जहाँ पे बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग के ऊपर भी काम किया हुआ था फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल तो विजय रजनीकांत प्ले करे जो हाँ जेलर यानी कि टाइगर मथुवेल पांड्यन का किरदार प्ले कर रहे वर्मन का रोल विनायकन ने प्ले किया हुआ है विजया विजय पांडेयन का जो रोल है मथुवेल की वाइफ का और रम्या कृष्णा ने प्ले किया हुआ है एसीपी अर्जुन पांडेन जो मथुवेल और विजय का बेटा है वो रोल वसंत रवि ने प्ले किया हुआ है कामना के रोल में तमन्नाथ भाटिया देखने को मिलेगी ब्लास्ट मोहन का रोल सुनील ने प्ले किया हुआ है विमल के रोल में योगी बाबू देखने को मिलेंगे श्वेता पांडेन जो अर्जुन की वाइफ का रोल है वो मीणा मेनन ने प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में ऋत्विक पांडेन यानी की ऋतु का जो रोल है जो मथुवेल का ने वो रोल ऋतविक का रोल है वो हर्षद ने प्ले किया हुआ है दोखीनाथ का रोल जफर सादिक ने प्ले किया हुआ था पानीर का रोल रोल है वो जी मारे मुथु ने प्ले किया हुआ है डॉक्टर एस धंदापानी का रोल है गणेश ने प्ले किया हुआ है दिव्यानाथन का रोल है वो रेडिन किंग्सले ने प्ले किया हुआ था बगुनारा बालू का रोल सुनील रेड्डी ने प्ले किया हुआ था सीनू का रोल सर्वानंद ने प्ले किया हुआ था इंस्पेक्टर जी कंगा लक्ष्मी का जो रोल था वो थांगी निशा ने प्ले किया हुआ है पुलिस कांस्टेबल के रोल में महानंदी शंकर देखने को मिलेंगे राजा राव का रोल है वो पद्म कुमार ने प्ले किया हुआ था संजू का रोल कराटे कार्तिक को दिया गया था नसीमा के हेंचमेन के रोल में सुंगुनाथन देखने को मिलेंगे वहीं पर पंजू का जो रोल था वो बिल्ली मुरली ने प्ले किया हुआ था सिनू के मेजर का रोल है वो पावेल मनी ने प्ले किया हुआ था वर्मन के हैंचमैन का रोल है वो सूरज पॉप्स ने प्ले किया हुआ था वर्मन के दूसरे हेंचमैन का रोल है वो डांसर रमेश ने प्ले किया हुआ था करीम गैंगस्टर मेंबर का जो रोल था वो हाजी मोहम्मद ने प्ले किया हुआ था जाफार के रोल में किशोर देखने को मिलते हैं सिकंदर सिंह का रोल है वो मकरंद देश पांडे ने प्ले किया हुआ है सी ऑफिसर का जो अनक्रेडिटेड रोल था वो उदय भानो महेशवर ने प्ले किया हुआ है कुछ कम्यूपरियंस भी देखने को मिलेंगे बड़े बड़े कैम्यो अपीरेंस जिसमें मोहन लाल ने मैथ्यू के रोल में कम्योपेरियरेंस दिया हुआ है नरसिम्हा के रोल में शिवराज कुमार ने कम्यपियरेंस दिया हुआ है कामदेव के रोल में जेकिशोर ड्रॉप आपको कैमे अपीरेंस देते हुए नजर आएंगे नागा बाबू मुथुवेल के फॉर्मर कलिक के रोल में एक कैमे अपीरेंस दिए हुए थे वहीं पे कावा ला करके जो गाना है उसमें जाने ने कैमे अपीरेंस दिया हुआ है तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो मुथुल पांडेन एक के मुथु यानी कि रजनीकांत वो एक रिटायर जेलर है जहाँ पे वो अपनी सिंपल लाइफ अपनी फैमिली के साथ जीते हुए नजर आते हैं उनके बेटे यानी कि अर्जुन जिसका रोल वसंत रवि प्ले कर रहे हैं वो एक सीसियर पुलिस ऑफिसर है जहाँ पे वो उनकी एक टसल है वो एक वर्मान नाम के एक एंटागोनी से हो जाती है एक स्मगलर से हो जाते हैं जिसका रोल विनायकन प्ले करते हैं वो एंटिक पीस का स्मगलर करते हुए नजर आते हैं किसी एक दिन अर्जुन अचानक से मिस हो जाता है उसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट में एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है बाद में मुथुवेल पांडियन को जब इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है उसके बाद में उनको ये भी पता लगता है कि उनके बेटे को मार दिया गया है तो अब इसके पीछे कौन है क्यों मारा हुआ है उसको क्यों खत्म किया हुआ है वो सभी चीजें फिल्म में आगे जाके दिखाई जाती है उसके बाद में मुथुवेल पांडेन जब इन सभी चीज़ों को दे ढूंढने निकलता है जब वो अपने इस रास्ते पे निकलता है तब उसको कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट पता चलते हैं जहाँ पे उसका जो मोटो था वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है तो अब ये क्या है मुथुवेल पांडेन उन सभी चीज़ों को उन सरप्राइज़ को कैसे डील करेगा वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है सुपरस्टार रजनीकांत काफ़ी लंबे समय के बाद इस टाइप के सॉलिड रोल में देखने के मिलते हैं आपको जहाँ पर उनका कैरेक्टराइजेशन काफ़ी बढ़िया तरीके से दिलीप कुमार ने किया हुआ रजनीकांत ने एक अंडर प्ले वाला जो फर्स्ट हाफ में काम किया हुआ था वो काफी बढ़िया नजर आता है जिस तरह के उनका एक मिनिशिंग फोर्स में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है वो भी काफी बढ़िया था इसके अलावा जिस तरह सेंटर ब्लॉक क्रिएट किया हुआ था वो भी काफी टेरिफिक नजर आता है रजनीकांत की कॉमेडी टाइमिंग आपको जरूर पसंद आएगी जो सीन के उनके योगी बाबू के साथ थे वो एक बढ़िया फन क्रिएट करते नजर आते एक डार्क कॉमेडी है वो फिल्म में वो काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है इसके अलावा इसमें अनिरुद्ध इस फिल्म के सेकंड पिलर कह सकते हैं जहाँ पे रत्नीकांत के बाद अनिरुद्ध का बैकग्राउंड स्कोर ही फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से लिफ्ट करने में मदद करता है सुपरस्टार के जितने भी जो सीन्स थे थंपिंग बैकग्राउंड स्कोर की वजह से वो सभी चीज़ें बेहतर हो जाती है एक एवरेज चीज़ को वो एक अच्छी तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी बनाने में मदद करते हैं हुकुम गाने का भी काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ किया हुआ है जिस तरह से उसको क्लाई इंटरवल में यूज़ किया था वो भी बढ़िया था ओवरऑल इस फिल्म में जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर का यूज़ किया हुआ है वो अच्छा नज़र

ह्यूमर था जिस तरह से चीजों को दिखाया हुआ था फर्स्ट हाफ में वो काफी एंगेजिंग था लेकिन उसके बाद में जिस तरह से कुछ चीजों को खींचा हुआ था वो फिल्म को बोर करता हुआ नजर आता है इमोशनल सीन्स बेहतर वे में पेश किए जा सकते थे फिल्म में कुछ बेहतरीन ट्विस्ट भी डाले जा सकते थे फिल्म काफी लंबी थी उसको चॉप ऑफ किया जा सकता था लेकिन अनिरुद्ध का जो फैंटास्टिक बैकग्राउंड स्कोर था उसकी मदद से फिल्म काफी बढ़िया तरीके से कुछ सीन्स को एलिवेट करने में आगे बढ़ती है जिसके चलते ये सभी चीज़ें देखने में मज़ा आता है सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी सॉलिड नजर आती है एडिटिंग थी वो फिल्म की थोड़ी बेहतर की जा सकती थी खास करके सेकंड हाफ में डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार ने वैसे देखा जाए तो एक डिसाइन काम किया हुआ है रजनीकांत के किरदार को जिस तरह से लिखा हुआ था जिस तरह से उनको स्क्रीन प्ले में दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी हाँ फिल्म लंबी थी सेकंड हाफ में थोड़ी लेट डाउन कर देती है वहाँ पर चीज़ें बेहतर

बाद में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कई सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए जहाँ पे 200-250 करोड़ के बजट के सामने जब फिल्म को रिलीज किया गया तो अच्छे बस के साथ फिल्म रिलीज हुई थी जिसके चलते पहले दिन फिल्म ने बहत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर जहाँ पे सिर्फ इंडिया से ही बावन करोड़ का कलेक्शन निकल के आया हुआ था वहीं पर तमिलनाडु से तेईस करोड़ का कलेक्शन था पहले दिन केरला से पाँच करोड़ पिचासी लाख का तेलुगु स्टेट से यानी कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से दस करोड़ का कलेक्शन था कर्नाटक से ग्यारह करोड़ का और नॉर्थ इंडिया से साढ़े करोड़ का कलेक्शन हुआ था इंटरनेशनल मार्केट से 40 करोड़ का कलेक्शन किया था जिसके चलते पहले दिन इस फिल्म ने बहत्तर करोड़ का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड लेवल पर दर्ज किया उसके बाद में इक्कीस अगस्त दो तक जेलर फिल्म ने तमिलनाडु से एक करोड़ तक का कलेक्शन किया हुआ था आंध्र प्रदेश तेलंगाना से पिछहतर करोड़ का और कर्नाटक से साठ करोड़ तक का कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे ओवरसीज के मार्केट में इस फिल्म ने इक्कीस अगस्त दो तक करीबन एक करोड़ इक्कीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने काफी बेहतरीन तरीके से बिजनेस दिखाया जिसके चलते दो सौ करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने सौ से साढ़े छः सौ का करोड़ का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर करके दिखाया तो ये एक अच्छा कलेक्शन हुआ और जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी इस फिल्म के ओ राइट्स से वो अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम हिंदी सभी वर्जन के लिए तो फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर जेलर नाम के साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में विथ इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन देख सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जेलर फिल्म का ओ टी वर्जन अगर आपको अभी ऑफिशियली देखना है तो वो आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से जेलर फिल्म का आप ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलगू तमिल कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे तो बस दोस्तों जेलर फिल्म के ऊपर जो भी मेरे पास बातें थी जो अपडेट थी वो मैंने शेयर कर दी है फिल्म को किस तरह से कैसे ऑफिशियली देख सकते हो उसकी जानकारी दी हुई है प्रोडक्शन के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एनालिसिस किया हुआ है कहानी के ऊपर चर्चा की हुई आर्टिस्ट के के बारे में बातचीत की हुई म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट जैसे अलग अलग स्पीक के ऊपर भी हमने डीप में चर्चा कर लिया है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू